अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नया दिन, जुमा मुबारक। मैं हूं मोहम्मद शुएब। और मैं हूं किरण आफताब। बहुत सारे मौजूद, लेकिन सबसे पहले सोचने के लिए एक छोटी सी बात। सब सब कुछ नहीं बन सकते। जिसामत ही नहीं, अल्लाह ने जहन भी अलग अलग रखे हैं। हर इंसान का सांचा मुख्तलिफ रखा है। सब इंजीनियर्स नहीं बन सकते, सब डॉक्टर्स तो नहीं बन सकते। एक बुरा इंजीनियर बनने से कहीं बेहतर एक अच्छा कारपेंटर बनना। यूँ भी दुनिया का कोई काम छोटा नहीं होता, और जो काम दिल से किया जाए ना, वो तो बेहतरीन हो जाता है। न्यूटन को देख लीजिए, नंबर्स अच्छे नहीं आते थे, लेकिन दुनिया में शायद ही किसी का दिमाग इस कदर पावरफुल हो कि मिसाल मिलना आज भी मुश्किल हो। तो इल्म हासिल करने के लिए, ज़माने से आगे चलने के लिए, अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को तैयार करने के बजाय हम क्यों अपनी मर्जी थोप रहे होते हैं? जो वक्त बच्चे का खुश रहने, हंसने, मुस्कुराने, चहकने का है, खुद को पहचानने का है, वो वक्त बच्चा ज़बरदस्ती वालिदैन की मर्जी से बात करने, खामोश रहने, काम करने, यानी कि एक प्रोग्राम रोबोट बनने में सर्व कर रहा है। बच्चा ये भाई किसी मल्टीनेशनल का मुलाजिम तो नहीं, किसी मशीन का पुर्जा तो नहीं। जिद्दत और वक्त की ज़रूरत क्या है? जिद्दत और वक्त की ज़रूरत ये है कि बच्चों को सवाल करने से, बात करने से रोक कर ना जाए, बल्कि इसी जानब माइल किया जाए कि वो डिस्कस करें, डिबेट करें। वरना गफलत नहीं कहूँगी मैं इसे जहालत कहूँगी, और ये सरासर आप ही की है। आप ऐसा करके बच्चे को खुद से भी दूर कर रहे हैं, वो आपसे दूर जा रहा है, वो आपसे बात नहीं कर पा रहा। अगर ये कहा जाए कि ये जो ज़बरदस्ती है, ये जो अपनी मर्जी थोपना है, ये कह के कि ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, ये बच्चों को भटका रहा है। और मर्जी से आगे मामला चले जाते हैं किरण, मारपीट तक पहुंच जाते हैं, उसके साथ ज़बरदस्ती बात की जाती है कि ये ऐसा ही तुम्हें करना है, या तुम्हें वैसा ही करना है, यहाँ बैठ जाओ या वहाँ चले जाओ, ये खा लो या फिर ये पढ़ लो। इस ज़बरदस्ती के साथ साथ मारपीट यानी फिजिकल पनिशमेंट, उससे क्या होता है, आप उससे एंटी सोशल कर देते हैं, आप उसका कॉन्फिडेंस शैटर कर देते हैं, आप उसकी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं, फ्यूचर आप तबाह करते हैं। फिर बाद में सोचते हैं, अरे ये हुआ क्या हमारी औलाद के साथ। जिम्मेदारी तो फिर पेरेंट्स की है, क्योंकि अगर आपने ख्याल नहीं रखा, आपने कोई ज़बरदस्ती की, आपने मारा पीटा, फिर जिम्मेदारी बहरहाल आप पर ही है। इस अहम मौजू पर भी करेंगे बात, लेकिन नया दिन में आज आपके लिए है क्या, सबसे पहले जानेंगे नया दिन की टॉप स्टोरीज़ में। क्या पंजाब में खुले दूध के नाम पर जहर फरोख्त हो रहा है? खुला दूध आपको नाबीना भी कर सकता है, फूड अथॉरिटीज ने खबरदार कर दिया। 2022 तक सूबे में खुले दूध की फरोख्त मुकम्मल बंद कर दी जाएगी। वालिदैन का बच्चों को डराना और तरबियत के लिए सजा देना जरूरी है, सख्त सजाएं डिसिप्लिन सिखाती हैं या जिंदगी के खात्मे पर मजबूर कर देती हैं? लियारी में नन्नी सवेरा की मौत ने वालिदैन के लिए कई सवालात को जन्म दे दिया। और दरख्त बचाएं, गंदगी को ठिकाने लगाएं, कराची में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने और जिंदगियां महफूज बनाने के लिए 74 साल बुजुर्ग का खामोश एहतजाज, अब्दुल हमीद डागिया नौजवानों के लिए मिसाल बन गए। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, और आज जब हम बात कर रहे थे कि औलाद की तरबियत आपने कैसे करनी है, उनका ख्याल कैसे रखना है, उनको अपना असासा कैसे समझना है, तो माँ, अम्मी, अम्मा, ये बड़े स्वीट वर्ड्स हैं जो तकलीफ में सबसे पहले जबान से अदा होते हैं। ज़रा सी चोट लग जाए तो इस उम्र में अम्मी, ऐसा होता है, क्योंकि रिश्ता ऐसा है, एहसास ऐसा है, इस रिश्ते को नज़रअंदाज नहीं किया जाता। और बाप अगर ये बात कर ले, अब्बू, बाबा जान, पापा, ये रिश्ता किसी छतरी की मानिंद है, ऐसी छतरी जो सख्त धूप सहकर बच्चों पर शफ़क़त का साया बरकरार रखती है। लेकिन ये अचानक क्या हो गया? यहाँ तो इन अल्फाज का लगा मतलब ही बदल गया। जुल्म की इंतहा हो गई, बेहिसी की इंतहा हो गई। बेटी चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन माँ के दिल पर ताले पड़े रहे। शफ़क़त और मोहब्बत से सर पर हाथ फेरने वाले बाबा को भी लगा यह आवाज़ पहुँच न सकी, और सवेरा अंधेरों में डूब गई। और माँ ने किस तरह से कह दिया, नहीं ये सवेरा की आवाज़ नहीं है। जब वो मोहल्ले में मौजूद थी, खातून ने उसे कहा कि लगता है सवेरा की आवाज़ है, तो उसने कहा नहीं नहीं सवेरा के तो मैं हाथ बांध कर आई हूँ, वो नहीं हो सकती, उसकी आवाज़ नहीं हो सकती। माँ ने आवाज़ नहीं पहचानी। जिस माँ ने तकलीफ से पैदा किया, वो अपनी बच्ची की सिसकियों तक को ना पहचान सकी, या शायद उसने पहचानना चाहा नहीं, और इसीलिए सख्त डिसिप्लिन के नाम पर सजाएं या फिर बच्चों को डराना, धमकाना बच्चों के लिए कितना खतरनाक है।
कल से लेके आज तक में हम सब इस पर सोचने पर मजबूर हैं। बिल्कुल, सवेरा की जिंदगी कैसे खत्म हो गई, कैसे अंधेरे में चली गई, इस पर आज हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। कहीं बेटी है बाबा की आंखों का तारा, कहीं बेटा है माँ का दुलारा, कहीं शरारतें करता बच्चा वालदैन को है सबसे प्यारा, कहीं वालदैन है बच्चों के लिए उस्ताद, तो कहीं यार और कहीं बॉडीगार्ड। ये उम्मीदों का महवर भी हैं और रंगीन जिंदगी का सबब भी। इनकी पाबंदियां बच्चों को बेहतर इंसान बनाती हैं, लेकिन बाज़ औकात लापरवाही और सख्त सजाएं बड़े सानेहात को जन्म दे जाती हैं, जैसा कि कराची के इलाके लियारी में हुआ, जहां 6 साल सवेरा को माँ ने मदरसे ना जाने पर डराने के लिए घर में बांध कर बंद कर दिया। माँ बाप को ही सब कुछ समझने वाली सवेरा इस सख्त कदम पर डर गई और कमरे से कूद कर जिंदगी गंवा बैठी। सवाल ये है कि वालदैन बच्चों को डराने समझाने के लिए क्या सजाएं दें? क्या हाथ बांध देना, छोड़कर चले जाने का कह देना और कमरों में बंद कर देना नन्हे बच्चों के लिए काफी सख्त सजाएं तो नहीं? तो इसी सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। आखिर ये क्या मामलात है, क्या नफ्सियात है? माहिर नफ्सियात डॉक्टर उरूज मुइज हमारे साथ हैं। वेलकम टू नया दिन। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, किसी भी बात से रोकने के लिए अगर माँ या बाप, टीचर्स के ऊपर तो हम बाद में जाएंगे, अगर वो बच्चे से कहते हैं रुक जाओ वरना मैं जबान जला दूंगी, हाथ जला दूंगी, मैं बहुत ज़ोर से मारूंगा, 2 थप्पड़ पड़ेंगे, ये जो वालिदैन का तरीक़ा है जिसको वो कहते हैं कि ये तो जायज़ है, तरबियत है, ये ख़तरनाक नहीं है बच्चों के लिए? अच्छा, ये एक लर्न बिहेवियर है जो माँ बाप ने अपने माँ बाप से सीखा या अपने एंसेस्टर से सीखा कि उनके माँ बाप उनको मारा करते थे तो दैट वॉज ओके, वो भी बड़े हो गए। लेकिन जो आज का दौर भी चेंज हो गया है, और वैसे भी किसी को जो बच्चे के पास इतना इख्तियार या इतनी कहते हैं हिम्मत या पावर नहीं है, जो ऑलरेडी कहते हैं ना आप पे डिपेंडेंट है, उसको आप कैसे मार सकते हो? ये एक लॉजिकल बात है कि अगर आप किसी को मारो तो एटलीस्ट वो आपके बराबर का होना चाहिए। तो आप जब बच्चे को मारते हो, ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ होती है, जब आप किसी बच्चे को मारते हो तो वो ऑलरेडी अपना कॉन्फिडेंस, आपने शुरू में कहा उसका कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो जाता है। अच्छा, वो बच्चा अपनी दिफा नहीं कर सकता है, बचा नहीं सकता अपने आप को, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत है नहीं, और वो हाइट में भी छोटा है, एज में भी छोटा है, ताकत में भी छोटा है। तो उसके बाद वो बच्चा समझता है हर कोई उसको ज़िंदगी भर दबाएगा या मारेगा, तो एक डर पैदा हो जाता है। अच्छा, सेकेंड ये होता है कि हम जो माँ बाप हैं, जो माँ बाप बनने वाले हैं या जो ऑलरेडी माँ बाप हैं, वो समझते हैं हम अपने बच्चों को जैसे चाहेंगे हम वैसे उनको लेके चलेंगे। बच्चे जानवर नहीं है, यानी ठीक है, तो बच्चे वैसे जानवरों के साथ भी नहीं करना चाहिए, बट बच्चों के लिए माँ बाप एक फैसिलिटेटर है, यानी माँ बाप ने अपने बच्चों को फैसिलिटेट करना है, उनको अच्छा खाना देना है, अच्छी एजुकेशन के लिए उनको जो भी सरमाया चाहिए वो देना, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। लेकिन इसके अलावा बच्चे कुछ और नहीं है, आप अपने बच्चों के लिए और कुछ नहीं, ना अपने बच्चों को आप करियर चूज कर सकते हो जो आप लोग अगेन शुरू में बात कर रहे थे, ना आप अपने बच्चों के लिए ये आपको करना चाहिए कि उनको फोर्सफुली कहीं और शादी कराओ। सो दीज ऑल थिंग्स जो आप चाहते हो उनको पर थोप नहीं सकते, ये तो कुछ बहुत बात की शायद बात आ जाती है। यस, बट 6 साल की बच्ची, इट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये छोटी छोटी बात पर हाथ बांध देना, कमरे में बंद कर देना, ये तो बहुत खतरनाक है। ये 6 साल की उम्र में बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है। आपको पता है एक लॉजिकल बात है, शायद व्यूअर्स को पता होनी चाहिए कि अक्सर औरतें भी ये काम करती हैं, और ये शायद अल्लाह ना करे कि ये केस आगे जाके जाए तो आपके शो की तरफ से शायद इनको ये थोड़ी अवेयरनेस हो जाए कि जब आप अपनी काम वालियों को भी, जो घर में आपके काम आपकी हेल्प होती है, अक्सर औरतें उनको बाहर से बंद करके चली जाती हैं। अच्छा, दिस इज़ सो रॉन्ग, क्योंकि घर में आग लग सकती है, कोई और हादसा हो सकता है, वो अंदर वाला शख्स बाहर कैसे जाएगा? सो आप किसी को भी वैसे भी सेफ्टी हैजर्ड वाइज आप किसी को अंदर बंद नहीं कर सकते हैं। सो ये अवेयरनेस जो आप जैसे शोज होते हैं उनमें लोगों को जब पता चलता है कि हमें बच्चे को पनिशमेंट के लिए उसको लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप या तो रिवॉर्ड या तो उसको पनिशमेंट का एक छोटा सा एक होता है कि आप कोई चीज़ करोगे तो ये मिलेगी, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं करोगे तो मार मिलेगी। अगर वो खातून चाह रही थी मदरसे में जाए बच्ची, तो वो कौन सा अब चली गई? अब भी तो नहीं गई ना वो। सोचा क्यों नहीं एक माँ ने कि अगर बच्ची नहीं जा रही, और जब बाद में मामला खुलते हैं कि अगर वो मोम गिरा रही है उस पे पिघला कर, तो वो उसकी बच्ची है, उससे पूछा नहीं, समझा नहीं उससे कि बच्ची क्यों नहीं जा रही। बहुत हद तक यूज्ड टू दिखाई दी, बहुत हद तक यूज्ड टू दिखाई दी कि वो मार रही है, पीट रही है, और अगर मोहल्ले वाले ये बता रहे हैं कि जी उसकी आवाज आ रही है रोने की, तो उन्होंने कहा नहीं मेरी बच्ची की नहीं है। ये बेसिकली होता है कि आप एज ए मदर एंड फादर, हमें पेरेंटिंग कभी सिखाई जाती नहीं है। हम स्कूल में MBA कर लेते हैं, हम इंजीनियरिंग पढ़ लेते हैं, हम मेडिकल साइंस पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, कभी हमने किसी स्कूल में सीखा है हाउ टू बी अ पेरेंट? ये ज़रूर बताते हैं माँ आप किस तरह बीवी बनना है,
किस तरह माँ बनना, ये माँ बाप नहीं सिखाते। तो ये बड़ा एक क्रूशल टॉपिक और हमारी आवाम को हमारे आपके शोज़ के ज़रिए या दूसरे शोज़ के ज़रिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को बताया जाए कि हाउ टू बी अ पेरेंट, बिकॉज दिस इज़ समथिंग कि आपके बाद पूरी जनरेशन आपसे चलनी है। अच्छा, माँ बड़े खुशी खुशी या बच्चा पैदा होता है तो हम बड़ी खुशी 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 सारी सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, एंड देन वी आर डूइंग एवरीथिंग, बर्थडेज भी मनाते हैं, पूरे एक साल में क्या करते हैं ये नहीं बताते। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चे के लिए एक केक ले आना या ये कह देना मैं तो बच्चे को स्कूल भेज रही थी, मैंने उसके लिए किया, अपने बच्चे के लिए नहीं किया, अपने अपने लिए किया। अच्छा, बहुत सारे माँ बाप, या आपको बड़ी हमारे बहुत सारे केसेस आते हैं और ये बड़ी एक अजीब चीज बताऊंगी, माँ बाप अक्सर बच्चों को छोटी एज में स्कूल इसलिए भेज देते हैं हमारी जान छूटे, जान छूटे, एंड व्हिच इज वेरी रॉन्ग। बच्चे दुनिया में कहीं नहीं हो रहा, बहुत से ममालिक में नहीं हो रहा, लेकिन पाकिस्तान में 2.5 साल के बाद हम ट्राई करते हैं कि जी भेजने का प्रेशर होता है क्योंकि मोहल्ले वाले बच्चे जा रहे हैं। दुबई कितना दूर है आपसे? दुबई आपसे 2 घंटे दूर है, आप नहीं भेज सकते छोटी छोटी एज में। इनफैक्ट इट्स इलीगल टू सेंड किड बिफोर 4 or 5, आई थिंक, आई एम नॉट एग्जैक्ट श्योर अबाउट द एज, बट आई थिंक बिफोर 4 या 5 आप बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते, इट्स इलीगल। 3 साल की उम्र में भेज देती हैं स्कूल, माँ बाप भेज देते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि उफ, इसने ये कहाँ से सीख लिया। यस, आपने सिखाया नहीं तो आप बाहर से उसे जो मिलेगा वो सीखेगा। आप देखिए, फिर हिट करते हैं। मेरे अब्बू मुझे अक्सर कहते थे कि बच्चा जो होता है ना, हम कहते हैं हमारा बच्चा सब बच्चों की तरह ना हो, मुनफरिद हो। बच्चा मुनफरिद कैसे होता है? अगर उसको घर की तरबियत मिले, स्कूल में तो हर किसी को एक ही तरबियत मिल रही है ना, वो बच्चा कैसे मुनफरिद होगा? तो बच्चे का घर में रहना एंड घर से सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये बच्चे पे हाथ उठा देना, बच्चे को मार देना, क्या आपको लगता है बच्चा से कोई काम करता है? इनफरादियत अगर आपको अपने बच्चे में चाहिए तो फिर उसको मार के कूट के टाइम टेबल्स के साथ में जोड़ के और फिर अपनी बात मनवा के तो आप उसको इनफरादियत का मौका नहीं दे रहे, वो सोच ही नहीं रहा, अपनी चॉइस पे जा ही नहीं रहा। यस, बिल्कुल, आप मार रहे हो वो कर रहे जो आप बोल रहे हो, सो इट्स लाइक रट्टू तोता जिसको कहते हैं हम, कि वो कर रहा है वो जो बोल रहे हो, या ये उस घोड़े की तरह जिसकी आंखों पे पपड़ लगी हुई है और उसको मार मार के चलाया जा रहा है, घोड़ों को चलाया जाता है ना। सो ही हैज अ किड हैज अ टनल विजन, उसको ना पता है मुझे राइट जाना है ना मुझे लेफ्ट जाना है, उसको पता है सुबह उठ के मुझे स्कूल जाना है, दोपहर में मुझे ट्यूशन पे जाना है, उसके बाद मदरसे पे जाना है, रात का के सो जाना है, अगर मैंने कुछ भी और किया तो मेरे माँ मुझे मारेंगे। तो ये आप एज ए पेरेंट आप अपने बच्चे को कामयाब नहीं बना रहे, आप उसको ये बता रहे हो कि भाई ये तुम्हारा रूटीन है, तुम इस तरह चलो, इसके अलावा अगर और कुछ करोगे, अपना दिमाग यूज करोगे तो मार खाओगे, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है। यस, ये लगता है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे, ये खतरा नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं जस्टिफाई करूं इस चीज़ों के मारना चाहिए, लेकिन हमने बचपन में मार खाई, डांट भी खाई, लेकिन उस वक्त की मार और डांट और अब की मार डांट में बड़ा फर्क है। अब मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, अब जो पेरेंट्स हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, झुंझला जाते हैं वो छोटी सी बात पर रिएक्ट कर जाते हैं, तो उस वक्त की डांट और मार में फर्क है और अब की डांट और मार में फर्क है। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। पहले, अब मुझे नहीं पता आप लोग बड़ी फैमिली से या छोटी फैमिली से, बट मैं कम फ्रॉम अ बिग फैमिली, तो अगर अम्मी मार देती थी ना कभी सर पे थप्पड़े पे, तो अब्बू कर देते, अब्बू और अम्मी दोनों गुस्से में दादी थोड़ा कर दे सपोर्ट कर देती थी। अच्छा, पहले लोग बड़ी फैमिलीज में रहा करते थे तो वो एक सपोर्ट सिस्टम होता था, सही, जो अब थोड़ा कम हो गया कि बच्चे को किसी ने मारा उसके बाद कोई और वेंटिलेशन ही नहीं, कहाँ जाके उसको कोई प्यार करेगा। अक्सर कहते हैं अगर एक हाथ गुस्से वाला है दूसरा प्यार वाला होना चाहिए, ये वैसे होता है, ठीक है ना, अगर फादर ना डांटे मारे, हाँ माँ जरा सख्त हो जाए। अब बच्चा अगर बिल्कुल हेल्पलेस फील करे वो क्या करेगा? अपने बच्चे को कोई हेल्पलेस तो नहीं फील, उसको बंद कर दिया। लेकिन उस सख्ती में भी ये तो कहीं नहीं है कि बच्चे के आप हाथ पैर बांध दो या उसे कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, सेकंड चीज आपने बात की फ्रस्ट्रेशन की। यस, पीपल आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, आपको पता है महंगाई कितनी होगी, आपको पता है। अच्छा, बच्चा अब अजमत की जगह, एक रहमत की जगह माँ बाप के लिए जहमत बन गया है, इन अ वे। ऑनेस्टली, आपको शायद बुरा लगे मेरी ये बात ऑन स्क्रीन, बट जिस बच्चे का दूध आता था नॉर्मल दूध, मैं हाइपोजेनिक दूध की बात नहीं करी, मैं लैक्टोज फ्री दूध की बात नहीं करी, जो एक नॉर्मल दूध था जो एक रेंज में आया करता था, जो माँ बाप अपनी नॉर्मल सैलरी पे लिया करते थे, अब वो नहीं ले सकते। अब बच्चे की नीड तो उसको दूध पीना है, तो वो जो माँ बाप और बच्चे का रिलेशनशिप था जो प्यार से था, वो अब स्ट्रेस में आ गया है कि यार इसका मुझे खाना पूरा करना है, इसका पीना पूरा करना है, इसका दूध पूरा करना है। अब वो जो मोहब्बत देनी थी, अब वो बच्चे के, मैं देखो तुम्हारे लिए पूरा दिन बाहर जाता हूँ, तुम पढ़ नहीं रहे हो, मैं तुम्हारे लिए पूरा दिन ख्वार होता हूँ, तुम पढ़ नहीं रहे हो। अब ये जो फीलिंग आती है ना कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ये माँ बाप अब कर रहे हैं एहसान। अच्छा, इनकी भी गलती नहीं है, माँ बाप भी बहुत स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, एंड विच इज समथिंग अगेन। लेकिन बारह जिम्मेदारी फिर माँ बाप की है तो सही, yes, है। आपने वो बर्दाश्त करना है उस प्रेशर को, एक्सटर्नल प्रेशर को, जो मसाइल है उनको, क्योंकि अगर एक पनिशमेंट स्कूल में या मदरसे में या किसी भी सेंटर में दी जाती है, जैसे फिजिकल पनिशमेंट या कॉर्पोरल पनिशमेंट कहा जाता है,
उससे मुतालिक घर में उसे इतना एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें कि अगर बाहर कुछ हो तो आपको बताएं ताकि आप उसे रोक सकें और घर में ऐसा कुछ ना कर सकें, तशद्दुद के वाकयात ताकि रोक सकें। तशद्दुद के वाकयात, बच्चों पर तशद्दुद के वाकयात, इससे मुतालिक ही समाजी कारकुन ज़ाहिद थेबो ने तहकीक की, उन्होंने रिसर्च किया, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स उनके पास हैं तो उन्हीं से बात करते हैं। ज़ाहिद साहब, ये फरमाइएगा आपका जो रिसर्च है इसके मुताबिक कितने बच्चे हैं जो कॉर्पोरल सजाओं का शिकार होते हैं? देखिए जी, अगर ऑफिशियल फिगर सिंध गवर्नमेंट की सिर्फ देखी जाए तो इस वक्त सिर्फ सिंध में ही 62 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, जो स्कूलों में कभी आए और कॉर्पोरल पनिशमेंट की वजह से, जिस्मानी सज़ा की वजह से या उसादसा की नामुनासिब रवैये की वजह से वो स्कूलों से निकल गए, और जब स्कूलों से निकले वापस घरों में गए तो वालदेन ने भी उनको तशद्दुद का निशाना बनाया या मुख्तलिफ सज़ाओं सज़ाएँ देना शुरू कर दी ताकि वो स्कूल दोबारा जाएँ या उन इंस्टीट्यूशंस को दोबारा ज्वाइन करें। तो घरों पे वालदेन ने भी सज़ा उनको दी, स्कूल्स में कॉर्पोरल पनिशमेंट की सज़ा मिली। तो ये ऑफिशियल फिगर जो गवर्नमेंट ने कोट की है, जो कॉर्पोरल पनिशमेंट की है, वो तो इसकी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जो आउट ऑफ स्कूल फिगर हैं उसमें से ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो कॉर्पोरल पनिशमेंट की वजह से ही गली कूचों में घूमने पर मजबूर हैं, स्कूलों से बाहर हैं, और वो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं, और वो मुख्तलिफ जिस्मानी सज़ाओं से दो चार हो रहे हैं घरों के अंदर भी और गैरेजेस में भी और चाइल्ड लेबर पे भी, और जहाँ पे वो जॉब करते हैं वहाँ पे भी वो सज़ाएं उनको मिल रही हैं और वो तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं। तो सिर्फ आउट ऑफ स्कूल में भी 62 लाख से ज़्यादा हैं, और जिनमें ज़्यादातर जो फिगर है वो जिस्मानी तशद्दुद की वजह से वो बच्चे सही। और ये हम देखते हैं कि कानून साजी भी होती है लेकिन उसमें हमें ये नज़र आता है कि जो घरों में मामलात होते हैं वो कहीं रिपोर्ट ही नहीं हो पाते, कानून साजी उससे मुतालिक है नहीं। तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, वालदैन बच्चों को किस किस्म की सजाएं देते हैं और वजूहात क्या होती हैं? देखें जी, इसमें दो तरीके हैं। एक तो अगर हम पूरा रूरल सिंध की तरफ जाएँ जहाँ पे लिटरेसी का रेशो कम है या कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहाँ पे जो बच्चों की वालदेन सज़ाएं देते हैं वो ज़्यादातर सख्त हैं, उनको डांट डपट से काम नहीं चलता, उनको शदीद तशद्दुद किया जाता है, लकड़ी से भी मारा जा सकता है, उनको हाथों से भी मारते हैं, स्लेब भी किया जाता है, उनको तशद्दुद भी किया जाता है, हाथ पैर बांधे भी जाते हैं उनको सज़ाओं के तौर पर, और वो सज़ाएँ ज़्यादा सख्त हैं। लेकिन कंपेयर टू रूरल एरियाज़, जो गाँव गोठों के जो शहरों में लोग रहते हैं, वालदेन रहते हैं, वो अपने बच्चों को जो जिस्मानी सज़ाएं देते हैं वो कदरें उनसे डिफरेंट हैं जो कि रूरल एरियाज़ के अंदर हैं। यहाँ पर ज़्यादातर वालदेन इस तरह करते हैं कि वो अपने बच्चों की जो है वो जेब खर्च ख़त्म कर देते हैं, उनके जो प्लेइंग आवर्स हैं या उनके खेलने कूदने के जो टाइम है वो कम कर देते हैं, उनकी डिफरेंट लग्जरीज जो हैं वो ख़त्म कर देते हैं उनकी, और डिफरेंट जो सज़ाएँ हैं वो साइकोलॉजिकल ज़्यादा होती हैं बजाय के फिज़िकल पनिशमेंट से, और वो अर्बन सिंध में इस तरह की पाई जाती हैं। अच्छा, ये तो आपने वालिदैन के बारे में बताया, अब ज़रा बच्चों के बारे में बताएं, बच्चे इन सज़ाओं से बचने के लिए क्या करते हैं या फिर सज़ा का रद्द अमल बच्चों की तरफ से क्या होता है? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है, और ज़्यादातर रिएक्शन में इन सज़ाओं से बचने के रिएक्शन में मोस्टली बच्चे जो हैं वो अगर उनको स्कूलों में भी मार पड़ रही है, इंस्टीट्यूशंस में भी पड़ रही है, दीनी मदारस में भी पड़ रही है, और वापस वो घरों में जा रहे हैं तो वालदेन भी उनको मारपीट कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं या उनको सज़ाएं दे रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की कि वापस ज्वाइन करें, तो इस नतीजे में ज़्यादातर इन सज़ाओं से बचने के लिए बच्चे जो हैं वो घरों से निकल जाते हैं और वो मुख्तलिफ शहरों का रुख कर देते हैं, रेलवे स्टेशन के थ्रू, बसेस के थ्रू, और वो फिर ज़्यादातर स्ट्रीट चिल्ड्रन बन जाते हैं। सिर्फ हैदराबाद के अंदर इस वक्त 50,000 से ज़्यादा बच्चे अनऑफिशियल फिगर की तरफ, क्योंकि इस बार हम स्ट्रीट चिल्ड्रन पे काम करते हैं, तो ज़्यादातर वो बच्चे ये हैं जो किसी न किसी सज़ाओं से बचने के लिए घरों से निकल जाते हैं और फिर वो गली कूचों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो मज़ारों पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो रेलवे स्टेशन पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन फिर वो इन सज़ाओं से बचने के लिए घरों से निकल जाते हैं, ना वालदेन के पास रहते हैं ना वो उन इंस्टीट्यूशंस में रहते हैं, और ज़्यादातर फिर उनकी लाइफ जो है वो स्ट्रीट्स पे गुजरती है, गली कूचों में गुजरती है, रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे गुजरती है, घरों से बाहर निकल जाते हैं और ज़्यादातर अपना वक्त जो है वो घरों से बाहर गुजारते हैं, डिफरेंट शहरों में चले जाते हैं। जी,
तो साहब बहुत शुक्रिया, आप अपनी ऑब्जर्वेशन, अपना डाटा हमसे शेयर कर रहे थे, रिसर्च आपकी। आप फरमाइएगा कि क्या ये ज़रूरी है कि बच्चों को दहशत ज़्यादा किया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए? प्यार से भी तो बच्चों से बात की जा सकती है, सख्त सजा का सहारा क्यों लिया जाए? अच्छा, अब और प्यार से समझाए तो कैसे, क्या वालिदैन को जरा सा थोड़ा सा सिखा दीजिए आप ये? अच्छा, ये है, अगेन इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, लेकिन अगर आपको बच्चे को कोई चीज़ समझानी है प्यार से, तो उसकी दुनिया में जाओ, अपनी दुनिया से बैठ के बात नहीं करो। आपने ठीक है, अगर आप, मैं अपना बचपन देखूँ तो कोई मैं कंपोज जो कि आज बात कर रही हूँ, बचपन में बड़ी शरारती थी, मैं चीज़ें तोड़ती थी, मैं घर से निकलती थी बाहर, मैं पढ़ती भी नहीं थी, टू सम ओकेजन मुझे पता है, मैंने आप बड़े गुस्से होते, टीचर्स गुस्से में होते थे, बट देन अब मेरी लाइफ में अगर मैं सोचूँ, पढ़ लेती उस वक्त, मैं नहीं लड़ती, मैं उस वक्त नहीं ये सब करती, अब मैं उसको रैशनलाइज कर रही हूँ, क्योंकि अब मैंने मैच्योरिटी आई है, चीज़ें सीखी, दुनिया मैंने देखी है। उस बच्चे ने तो नहीं देखी ना, अब जो मैंने देखा है वो मैं उस पर थोप नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। अब यही ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर उस बच्चे को एक्सपीरियंस करने दें, अपनी चीज़ें थोपें ना, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बच्चे से या किसी से भी बात कर रहे हो, अब आपका एक प्रोफेशन है और एक डॉक्टर आपके साथ बैठ के पूरी डॉक्टरी जबान में बात करें, तो आपको क्या समझ आएगी? आप बोलोगे मुझे बता मुझे बीमारी क्या है, मुझे ये नहीं पता कि मैं दिल के अंदर जाके क्या चीज़ काटूँ, बिकॉज ये चीज़ मेरे शोबे में नहीं है। सो इसी तरह वो बच्चे के जहन में वो नहीं समझ सकता बात को। सो वेन एवर द फर्स्ट थिंग हम सबको याद रखनी चाहिए कि हम किसी से भी, बच्चों से स्पेशली जब बात कर रहे हैं, तो उनके जहन से बात करें, उनकी साइड ऑफ स्टोरी। सेकेंड, ट्रस्ट, ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं सॉरी, मतलब आई डोंट, इट्स नॉट द टॉपिक टुडे, बट ये तो एक हम बात करें कि सवेरा के साथ जो हुआ उसको मार के बंद कर दिया। आपको पता है कुछ ऐसे बच्चे अब हैं, मैं जानती हूँ, उनका नाम मैं नहीं ले सकती बिकॉज दे आर पेशेंट्स, बट वो अपनी ज़िंदगी के कोई 7 से 8 साल हरासा होते रहे और उनके माँ बाप को बोलते रहे, माँ बाप ने ट्रस्ट नहीं किया, माँ बाप से डरते थे। मैं एग्जैक्टली इस तरफ आना चाह रहा था। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ बच्चों के साथ ऐसे मामलात होते हैं और वो शेयर नहीं कर पाते, हालांकि ज़ाहिर है शेयर करना है उन्होंने, ताकि उसका हल किया जाए, और पेरेंट्स से ही करना है। ऐसे कौन से साइंस हैं बच्चों में जो कि पेरेंट्स को फौरन समझने चाहिए कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग, दिस इज़ समथिंग टू बी डिस्कस्ड? अच्छा, कहीं अगर वो जाने से कतरा है बच्चा, जिस तरह ये बच्ची कतरा रही थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा कहीं जाने से बार बार रोए या कतरा है, तो उसके ज़रूरी नहीं कि टीचर मार रहा हो, ज़रूरी नहीं हरासा हो सकता, बुली हो रहा हो, बच्चे तो दूसरे बच्चे वो तंग कर रहे हो। अच्छा, हम उस चीज़ को बड़ा लाइट लेते हैं, बच्चा सीख जाएगा, छोटा सा है, बच्चे को भले डांट रहे कोई मसला नहीं है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। आपको तो बुलिंग इज़ वन मोर वेरी बिग इशू, क्योंकि अगर आपका कोई बड़ा क्लासमेट आपको बुली कर रहा है, रैग कर रहा है, अ लॉट ऑफ किड्स गो इन टू डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दैट। सो अगर वो तो अपने आपको विड्रॉ करे आप सबसे, यानी पूरे इन्वायरमेंट से विड्रॉ करे, अकेले बैठा हुआ है, जब भी स्कूल की बात आती है नर्वस होती है, कहीं पे भी जाने की बात है, फॉर एग्जांपल कज़न के घर पे जाना है, क्योंकि वो अक्सर यूजली जो हरासा होता है वो फैमिलीज के अंदर ही होता है, कज़न के घर जाना, डर रहा है, कतरा रहा है, तो ये सारी चीज़ें अगेन माँ और बाप देख सकते हैं। अच्छा, कुछ साइंस ही हैं। इसके अलावा अगर नींद में बहुत दांत बीछता है, उसके बहुत सारे और फिजिकल रीज़न भी हो सकते हैं, बट डर भी हो सकता है, नींद में उठ जाता है, अकेला नहीं सोता या नहीं सोती, सो ये सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ है, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे कोई प्रॉब्लम, गो एंड डू देयर एनालिसिस। अच्छा, अब ज़रा पेरेंट्स को इतनी सी बात बताइए कि ये जो 2 मिनट में झुंझला जाते हैं, चिंचना जाते हैं, और यही इब्तिदा होती है तशद्दुद की जानिब उनके अपने जाने की, कि ये हुक्म अदूली क्यों की, बस मैंने कह दिया तो ऐसे कर दो, ये उन्हीं की गलती है ना, उनको ये रवैया नहीं अपनाना चाहिए ना। अच्छा, जिसकी जब कोई नहीं सुनता ना, तो वो चाहते उसकी वो सुने जो उससे कमज़ोर है, ठीक है। अब माँ बाप को ये बड़ा मानना, समझना चाहिए, वो बच्चे से मनवा क्यों रहे? अच्छा, आप और मैं, हम दोनों एक एज पे हैं जहाँ पे अगर मैंने आपको आज मारा, आप क्या करेंगी? या तो आप मुझे सामने से मारेंगी, मैं ईमेल कर दूंगी, या आप ईमेल कर देंगी, तीसरा क्या करेंगी, आप जाके मेरी रिपोर्ट करा देंगी, राइट? क्योंकि किसी को मारना, इंसान को टच करना, इनफैक्ट जानवर तक को मारना सही बात नहीं है। सो पहले तो अगर आपको कोई मारे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप अपने बच्चों को मार दें। अच्छा, इस चीज़ को यूँ सोचें, हम कहते हैं जी माँ बाप का बहुत मोहतबर रिलेशनशिप है, बिल्कुल पैदा किया है, उनकी एक जगह है, एक इज्जत है। अब यही चीज़ बहुत सालों बाद बच्चे करते हैं माँ बाप के साथ, तो हम कहते हैं बच्चे ने क्यों मारा? अच्छा, बच्चा कहते हैं बच्चों ने मुझे ही माँ बाप मारते थे। अच्छा, ये बात बड़ी समझने वाली, व्हाट एवर गोज अराउंड ऑलवेज कम्स अराउंड। सो आप अपने बच्चे के सामने ऐसा रवैया ना रखें कि वो कुछ आगे जाके चले, ये तो बहुत एक एक्सट्रीम केस है, एंड इस पे वी ऑल आर सैड, आई कैन अंडरस्टैंड हाउ सैड शी वाज, जब मुझे कॉल आई, जिसने कॉल की वो बहुत सैड थी, आप बहुत सैड थे, इट्स अ सैड केस, बट अदर देन दैट इसको रोकना है अब ना। Exactly, अब जो हो गया है, talking about it. Yes, जो हो गया उसको तो हम चले डिस्कस करें, इट्स वेरी सैड, आई नो शी शुडन्ट हैव डन, द मदर शुडन्ट हैव डन दिस, लेकिन आप ये देखें अपने बच्चों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। वो कल जाके अपने बच्चों को मारेगा, फिर जब आप बड़े होंगे तो उसके जहन में क्या था, मारना ठीक है,
वो एज नहीं देख रहा है, वो देख रहा है अब जब पहले वो मजलूम था, जब उसके पास ताकत नहीं थी तो आपने मारा, जब आप बूढ़े हो गए आप मजलूम हो गए, आपके पास ताकत नहीं होगी तो आपका बच्चा भी वही करेगा, क्योंकि उसके लिए मारना नॉर्मल है. सो मारना इज नॉट नॉर्मल, प्लीज स्टॉप हिटिंग समवन. एक इंसान है, एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं मार सकता, यहाँ तक कि जानवर तक को नहीं मार सकता. और इतना सा समझ लीजिए, स्पेशली मैं पेरेंट्स के लिए कह रहा हूँ कि अगर आपके सामने आपके बच्चे को कोई मारेगा तो फिर दिल पर क्या गुजरेगी, ये सोच लें. किसी को नहीं मारने देंगे, किसी को कुछ कहने भी नहीं देंगे अपनी औलाद को, लेकिन खुद वही काम कर रहे हैं अपने औलाद के साथ. और मुझे तो लगता है कि बड़ी डायरेक्ट अप्रोच होनी चाहिए, अगर आपको कोई मारेगा तो आपको बुरा लगेगा, आप अपने बच्चे को कैसे मार सकते हैं. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ थी, हमेशा आपसे बात करना बहुत उम्दा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, देखना मजा आता है देखने में. थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा, मौजू ऐसा था कि हम दोनों ये चाहते थे कि इस पे खुलकर बात हो जाए, वक्त बड़ी तेजी से गया. मैं इसमें ऐड करना चाहता कि मैं आज पढ़ा कि सिंध प्रोहिबिशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट एक्ट 2016 ये आया था, इम्प्लीमेंटेशन भी उसकी हुई थी, लेकिन इसमें एक चीज़ मिसिंग थी, यानी जो घर में अगर तशद्दुद हो रहा है तो उसके हवाले से इसमें जिक्र नहीं था, तो ये होना चाहिए. इसकी रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग सेल्स भी होने चाहिए, और स्कूल मदरसे इनमें बाय एनुअल ऐसी ऑडिट्स होने चाहिए, फाइनेंशियल ऑडिट्स नहीं, सोशल ऑडिट्स, ये बहुत ज़रूरी है. सोशल मामला तो ये थे, फाइनेंशियल्स की तरफ अब मैं लिए चलती हूँ नियादिन के नाजरीन को. मुल्क में इस्लामिक बैंकिंग का रुझान बढ़ रहा है भाई. अक्टूबर 2018 से दिसंबर 2018 तक इस्लामिक बैंकिंग में 200 अरब रुपए का इजाफा हो गया. स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल दूसरी सहमाही में इस्लामिक बैंकिंग में 8.1% इजाफा ये रिकॉर्ड किया गया जनाब, जबकि इस्लामिक बैंकिंग का जो डिपॉजिट है ये 2658 अरब रुपए है. 2018 के दौरान अगर 2018 की बात कर ली जाए तो इस डिपॉजिट में 17% इजाफा हुआ, 17%. 2018 के इख्तिताम पर इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री का बाद अस टैक्स 34 अरब रुपए रहा, जबकि इस्लामिक बैंकिंग की ब्रांचेस ये भी बढ़ती चली गई, इसमें भी इजाफा देखने में आया, जब गुज़िश्ता साल 270 नई ब्रांचेस का नेटवर्क ये बढ़ाया गया तब तो ये खबर और भी अहम हो गई. एग्जैक्टली, और इस्लामिक बैंकिंग से हवाले से हम मजीद बात करेंगे. सरबरा KCCI बैंकिंग कमेटी हमें ज्वाइन करें, अतीक रहमान साहब सर बहुत शुक्रिया. जानना चाह रहे हैं आपसे, एक आम तासुर ये होता है जब इस्लामिक बैंकिंग की हम बात करते हैं या जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है उसकी बात करते हैं कि कान को यहाँ से पकड़ लो या वहाँ से पकड़ लो, बात एक ही है. सर बात एक ही है या देयर इज अ डिफरेंस? नहीं, देर इज ऑलवेज अ डिफरेंस. कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग में एक वास्ट डिफरेंस ये है कि इस्लामिक बैंकिंग इज इंटरेस्ट फ्री, रिबा से पाक इस्लामिक बैंकिंग है, और बैंकिंग ये जो रिबा से फ्री है. अभी आप लोग बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे, मैं इसको आगे बढ़ाता चलता हूँ क्योंकि टाइम कम है, कि ये आप बात कर रहे थे इस्लामिक बैंकिंग की ग्रोथ पे जो पाकिस्तान में हुई और सारी दुनिया में हुई. देखिए, इस्लामिक बैंकिंग का अच्छा किरदार अदा कर सकती है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, जो इस वक्त अंडर प्रेशर है और डिप्रेस इकोनॉमी है इस वक्त पाकिस्तान की. दुनिया मजाक उड़ा रही है पाकिस्तान का, वर्ल्ड बैंक कोई GDP का रेशो दे रहा है, IMF कोई रेशो दे रहा है. हमें इन तमाम सिचुएशन से निकलने के लिए इस्लामिक बैंकिंग को आगे बढ़ाना होगा. और उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं कि हमने देखा है कि पास्ट में इस्लामिक फाइनेंस जो है वो दो मेजर सेक्टर से रही है पाकिस्तान में, टेक्सटाइल और ट्रांसमिशन और एनर्जी पे. इस्लामिक बैंकिंग को जो सबसे ज्यादा अपना शेयर बढ़ाना चाहिए वो SMEs के लिए बढ़ाना चाहिए, स्मॉल एंड मीडियम फाइनेंसिंग के लिए. इसको बढ़ाने से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत अच्छा इजाफा होगा. और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो एक्सेस टू फाइनेंस है. इस एक्सेस टू फाइनेंस के लिए इस्लामिक बैंकिंग एक अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सकती है, और डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी पे भी ये बहुत बेहतरीन किरदार अदा कर सकती है. और हम देख रहे हैं सर चीज़ें बेहतर हो रही हैं, जैसा किरण भी शेयर कर रहे थे कि बहुत सी नई ब्रांचेस लास्ट ईयर खुली हैं पाकिस्तान में. तो एक तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान में तो ये ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान के अलावा कौन कौन से मुल्क हैं जो मुस्तफीद हो रहे हैं इस्लामिक बैंकिंग की वजह से? देखिए, इस्लामिक बैंकिंग का जो हब है वो बेसिकली मलेशिया है और इंडोनेशिया है. इसके अलावा इंग्लैंड में भी इस्लामिक बैंकिंग का बहुत बड़ा फ्रोग है, एंड दे गो फॉर इस्लामिक बैंकिंग वेरी इजीली, और उसको में वो ट्रांजेक्शन करने में ज्यादा रिलीफ महसूस करते हैं. मैं आपको बताता चलूं एक बात, कि जो हमारा प्रेशर है ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट का, इस वक्त जो ट्रेड डेफिसिट है, इस्लामिक बैंकिंग एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकती है अपनी फाइनेंसिंग के जरिए मेड इन पाकिस्तान इंडस्ट्रीज पर. मेड इन पाकिस्तान इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो हमारा ट्रेड डेफिसिट का प्रेशर जो है ऑटोमेटिकली लूज होता चला जाएगा.
सही अतीक साहब बहुत शुक्रिया साथ आप मौजूद थे। और जिस तरह आप बता रहे हैं कि मलेशिया में ज़्यादा इसका रुझान है, बहरहाल यूके में भी ऐसा हो रहा है, वहाँ पर भी इस्लामिक बैंकिंग का रुझान बढ़ता चला जा रहा है। तो आप साथ मौजूद थे, बेहद शुक्रिया। और हम ज़रा बढ़ते हैं आगे, क्योंकि और टॉपिक्स भी हैं जो हमने आपसे शेयर करने हैं आज। वैसे इंटरनेशनल स्ट्रीट चिल्ड्रन है, उसकी भी हम आगे चल कर बात करेंगे। और बच्चों की जिस तरह आज हम बहुत बात कर रहे हैं, हम मारपीट तशद्दुद की बात भी कर रहे थे, लेकिन कुछ सेहत के मसाइल भी हैं, कुछ बच्चे इसमें मुब्तला है। एक बच्ची की बात करते हैं, स्कूल में दिल लगाकर पढ़ती थी, सहेलियों की चहेती थी, गुड़िया की दीवानी थी, लेकिन अब वो खामोश हो गई है, क्योंकि 13 साल आयशा राशिद इसको दिल का आरजा मौत के दहाने पर इसने पहुंचा दिया है। वालिदैन ने नन्ही आयशा के इलाज के लिए उसे भारत तो भेजा, लेकर तो गए, लेकिन भारी अखराजात के बायस अब इलाज होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। बेटी की हालत पर गमजदा वालिदैन अब मुतालबा कर रहे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कोई हुकूमती नुमाइंदा मसीहा बनकर आए और उनकी बेटी की जान बचाए। नन्हे दिल को बड़ा रोग, कराची की 13 साल आयशा रोज मौत से जंग लड़ रही है। सरहद पार इलाज के लिए जाने वाली आयशा राशिद मसीहा की मुंतजर है, जो भारत में इलाज के अखराजात उठाए और उसे बचाकर जिंदगी में रंग भर दे। गुड़ियों से खेलती, स्कूल में दिल लगाकर पढ़ती, सहेलियों से अटखेलियां करती आयशा आज बिस्तरे मर्ग पर है। सोशल मीडिया पर भी आयशा के लिए आवाज उठाई जा रही है। बेटी की हालत पर परेशान वालिद सैयद राशिद नसीम कहते हैं कि इलाज के लिए खतीर रकम दरकार है, हुकूमती नुमाइंदे और मुखैर हजरात मदद फरमा कर उनकी बेटी की जिंदगी बचा सकते हैं। आयशा की वालिदा सनोबर राशिद हमें ज्वाइन करें चेन्नई से, उनसे बात करेंगे। वेलकम टू नया दिन। सबसे पहले तो हमारी दुआएं आयशा के साथ हैं, मुल्क की दुआएं आयशा के साथ हैं, और जानना भी चाह रहे हैं आपसे मरस से मुतालिक भी बताइएगा और तबीयत अब कैसी है आयशा की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा अभी इनको एल्विड जो है फिक्स कर दिया गया है, इनको हार्ट अटैक हुआ था और 8 साल की थी तब ये चीजें हम लोग के नॉलेज में आई थी कि इसको ये हार्ट डायलेटेड है और एक साइड का हार्ट इसका वो डैमेज हो रहा है, हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है। जब हम यहाँ आ गए थे तो ये ऑन ट्रीटमेंट इसको हार्ट अटैक हो गया, जिसकी वजह से इसका हार्ट बंद हो गया था। सही। इन लोगों ने एक ऑपरेशन करके उसके पास हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अलर्ट नहीं था उस वक्त हमारे पास, हम वेटिंग पर थे, बट ऐसा वेट कर ही नहीं पाई आयशा और उसका हार्ट बंद हो गया, तो इन्होंने एल्विट फिक्स कर दिया टेम्परेरी वाला। वो टेम्परेरी एल्विट 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए होता है और उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद इन्होंने टेम्परेरी एल्विट के लिए हमें उसका बताया अमाउंट, वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा था हमारी। साहिबा कितनी रकम दरकार है? हमें हम इंटरनेशनल पेशेंट से हम लोग ये डॉलर्स में इनको पे करते हैं। 1,35,000 डॉलर इन्होंने हमें उसकी कॉस्ट बताई थी। ऑल ओवर में 61,000 अलग से जमा कर चुकी हूँ। फिर मैंने डॉक्टर से यही कहा कि मेरे पास तो इतना नहीं है, क्योंकि मैं तो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए आई थी और ये एक नई चीज हो गई है। तो उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है वो डॉक्टर हैं और इंसानियत के नाते उन्होंने हमसे काफी कोऑपरेट किया। और डॉक्टर बालाकृष्णा उन्होंने कहा कि ठीक है आप फंड रेजिंग का सिलसिला रखें, क्योंकि इसको इस हालत में छोड़ेंगे तो इसकी लाइफ को खतरा है, कभी भी दिल स्टॉप हो जाएगा और हम नहीं चाह रहे कि ये बच्ची हंसती खेलती बच्ची इस तरह से खामोश हो। उन्होंने साथ दिया। आपने फंड रेजिंग की मुहिम का आगाज किया, उस मुहिम के हवाले से बताइए रिस्पॉन्स कैसा मिला, स्पेशली हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से कोई रब्ता हुआ आपसे? नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत से कोई रब्ता नहीं हुआ, बट ये कि हमारी जो आवाम है पाकिस्तान की आवाम वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। लोगों मैं पहले भी फंड रेजिंग के थ्रू आई थी यहाँ पर, जो पैसा मैंने जमा किया था 61,000 डॉलर यहाँ जमा कराया गया वो भी फंड रेजिंग के थ्रू। तो ये कि कोई ऐसा बड़ा नुमाइंदा नहीं आया हमारी तरफ, कोई बड़ा नुमाइंदा नहीं है, और पाकिस्तानी हाई कमीशन इनकी तरफ से भी कोई रब्ता नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये कि यहाँ पर वहाँ पे हमारे कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं है, हमें हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि हम बच्चों को कहाँ लेकर जाएं। ये बहुत मुश्किल है पाकिस्तानियों के लिए, अगर इस तरह के बच्चे हैं या तो उनको पता नहीं चलता या फिर वो खामोशी से इस चीज़ को सह जाते हैं।
और अफसोस की बात है कि पाकिस्तान हाई कमीशन को भी पता नहीं चलता, वहाँ उनको भी वो लोग इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखते कि पाकिस्तानी यहाँ पर है तो हम खुद पहुँच जाए उधर। आयशा, कभी किसी ने वहाँ पर रहते हुए सनोवर वहाँ पर किसी ने रहते हुए कभी कोशिश की कि आपसे आपसे आके मिले पाकिस्तानी हाई कमीशन से जिनका ताल्लुक हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ हमारे साथ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो कुछ वो हो रहा है वो अपने बलबूते पे हो रहा है, या फिर जो और रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो ज्यादातर हेल्प कर रहे हैं इस चीज के लिए। हम ही इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं कि वो किसी तरह भी इतना फंड हो जाए कि उनकी पेमेंट उनको दे दी जाए। और अभी तक ये हार्ट ट्रांसप्लांट का वेट कर रही है, डॉक्टर ने कहा कि एल्बर्ट का वेट कर रही है, लेकिन चूंकि आप हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए गए लेकिन मामला किसी और तरफ चले गए इसलिए कॉस्ट भी बढ़ गई और आप अब फंड रेजिंग कर रही है। किसी ने राबता करना हो सनोबर से तो वो जरूर राबता करें ताकि आयशा की जिंदगी बचाई जा सके, क्योंकि आयशा को मदद दरकार है। जब हुकूमत साथ नहीं दे रही तो आवाम ने बढ़ना है आगे। बींग पाकिस्तानी और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है और इंसान के नाते भी सब साथ दें तो आयशा की ज़िंदगी बच सकती है। जो इलाज के लिए खर्चा हो रहा है उसमें साथ दिया जा सकता है। सनोबर, दुआएँ आपके साथ हैं क्योंकि दुआ सबसे बड़ी होती है कि आयशा जल्द ठीक हो और लोग बढ़ चढ़ कर इस कार्य खैर में हिस्सा लें। तो वहाँ डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, यहाँ मुझे और आपको दुआ भी करनी है और बच्ची की दवा के लिए मदद भी करनी है। कोशिश कीजिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ब्रेक तो यहाँ पर बनता है, वैसे ब्रेक लेंगे, अभी ब्रेक लेते हैं। हाजिर है ब्रेक के बाद। सऊदी अरब में स्मगलिंग का इल्जाम, ये लगा जुर्म साबित हुआ और इसके नतीजे में पाकिस्तानी जोड़े के सर कलम कर दिए गए। रियाद की जानिब से जारी एलानिया के मुताबिक ही ये खबर सामने आई। सऊदी अरब की अदालत में हेरोइन स्मगलिंग का केस था और इसी के सिलसिले में इनको सजाए मौत दे दी गई। जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान के मुताबिक मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी अहलिया फातिमा एजाज को हेरोइन स्मगलिंग के दौरान हिरासत में लिया गया था। सजाए मौत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया लेकिन अदालत उज़्मा ने सज़ा को बरकरार रखते हुए रॉयल ऑर्डर के बाद दोनों को जद्दा में सजाए मौत दे दी। जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने सऊदी अदालत के फैसले पर एहतजाज किया और कहा कि गुज़िश्ता 5 वर्षों में पहली खातून है ये जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और इनको सजा दी गई है। इसी पर बात करेंगे। सारा बिलाल, आप एग्जीक्यूटिव जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया, जानना चाह रहे हैं आपसे कि पाकिस्तान और सऊदीया की हुकूमतों में कैदियों के तबादलों पर बातचीत चल रही है। जैसे हमने देखा कि इमरान खान साहब ने जब बात की थी सऊदी क्राउन प्रिंस जब यहाँ पर आए थे, और ऐसे में इस वक्त किसी पाकिस्तानी शहरी खास तौर पर एक खातून इनका सर कलम कर देना, हाउ डू यू सी दैट? देखिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रीवियस गवर्नमेंट के से ब्रेक करते हुए एक बहुत इम्फैटिक अपील दी थी पाकिस्तानी कैदियों के लिए, और उस अपील का बहुत अच्छा नतीजा निकला था कि क्राउन प्रिंस सलमान ने कहा था कि मैं पाकिस्तान का सफीर हूँ सऊदी अरेबिया में, और उन्होंने अगले दिन 2100 कैदियों को माफ़ कर दिया था। अब जब दोनों ममालिक के दरमियान प्रिजनर ट्रांसफर एग्रीमेंट की बातें हो रही हैं तो इस सूरत हाल में पाकिस्तानी कैदियों का सर कलम करना, जब ये तबादला हो रहा है और ये बातचीत चल रही है, एक बहुत अफसोसनाक वाक्य है। खासकर एक पाकिस्तानी खातून को कत्ल करना और या उसका एग्जीक्यूट करना, ये तो बहुत ही अफसोसनाक सारा। लेकिन जब कैदियों की हम बात करते हैं तो उसमें जुर्म की नौयत का तायुन भी तो होता होगा, ये एग्रीमेंट एक वास्ट टर्म है, इजंट इट? जी बिल्कुल ठीक, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बाकी ममालिक होते हैं वो अपने कैदियों को जिनको सऊदी जस्टिस सिस्टम में ट्राई किया जा रहा होता है उनको भरपूर काउंसलर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो जस्टिस सिस्टम जो है वहाँ का उसमें कई बहुत बड़ी सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आपको लीगल एड का जो है वहाँ पे राइट नहीं होता जितना पाकिस्तान में होता है। अगर आप वकील नहीं अफोर्ड कर सकते आपको नहीं प्रोवाइड तो इस स्पेसिफिक इंसिडेंट पे वजारत खारजा या पाकिस्तानी सफारतखाने की तरफ से कोई बात की गई है? ये देखिए, हमें इसका ये पता नहीं, लेकिन हमने जो बाकी पाकिस्तानी कैदी हैं जो खासकर सजाए मौत के कैदी हैं उनकी ट्रीटमेंट के ऊपर हमने पिछले साल एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसमें ये पाया गया था कि जो पाकिस्तानी सफारतखाना है वो अपने कैदियों को ये कोई मीनिंगफुल असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करता, इसीलिए सबसे ज्यादा जो जिनके फॉरेनर्स के सर कम किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी नेशनलिटी। और इस खास इंसिडेंट से मुतालिक आप लोगों ने एहतजाज भी किया है। सारा, बहुत शुक्रिया, साथ अब मौजूद थी।
वैसे तो जी चाहता है ये बात कह दें कि जो आपके यहाँ ड्रग्स लेकर आए आपको उसके साथ क्या करना चाहिए, ये जरूर जहन में रखें, लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा, उस्ताद का जो जिक्र है ना वो करना पड़ेगा। ये उस्ताद वो नहीं जो सबक पढ़ाते हैं, ये उस्ताद वो हैं बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मैकेनिक की हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैकेनिक उस्ताद है वो जो आपकी गाड़ी खराब होते ही हाजिर हो जाए, एक फोन कॉल पर चंद मिनटों में आपके पास पहुंच जाते हैं। और ज्यादा मजा ना मेरा खवातीन को आता है, क्योंकि खवातीन अगर टायर चेंज करना है, गाड़ी खराब हो गई है, तो अब सोच रहे अब क्या करें, अकेले निकले हैं, तो उनके लिए ज्यादा आसान है। लेकिन फिर भी हमारे मेंबर है शाहरुख, वो जब फंसे तो कैसे निकले आपके सामने रखते हैं। उफ़, ये गाड़ी सुबह ऑफिस जाने और देर हो रही है, क्या करूँ? ऑनलाइन मैकेनिक को बुलाता हूँ। हेलो जी, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई जी, आप कितनी देर में आएंगे? ठीक है, गाड़ी ख़राब हुई तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन मैकेनिक को बुलाऊँ, अब बुला लिया है, देखते हैं कि वो कितनी देर में आता है। मेरा मसला तो हल हो गया, मैकेनिक आ गया पूरे आधे घंटे में और गाड़ी का काम भी शुरू हो गया, लेकिन ये आइडिया किसके पास आया, कैसे आया और कैसे ये ऑनलाइन मैकेनिक का काम शुरू हुआ, इसी के लिए हमने बुला लिया है इस कंपनी के मालिक खिजर अहमद सिद्दीकी को। खिजर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये कैसे आपको आइडिया आया, किससे ना आपने ये काम शुरू किया? देखें, आइडिया बात है 2015 के आखिर की, जब हम लोग सब हम तीनों दोस्त जॉब करते थे एंड पार्किंग में अक्सर हमारा टाइम गुजरता था, तो उस वक्त हमें ये प्रॉब्लम फेस आती थी अपने ही बाइक्स और गाड़ियों को लेके, कि हमें ऑफिस से छुट्टी लेके या जाना पड़ता था, और हमारे लिए उस कंपनी में रहते हुए छुट्टी लेना बड़ा अजाब था। सो वी थॉट कि यार एक ऐसी सर्विस निकालते हैं कि जिससे आपकी घर पे ही रहते हुए आपकी गाड़ी, बाइक, जनरेटर को मैकेनिक मिल जाए और वो सॉल्व कर जाए, या रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाए तो मैकेनिक मिल जाए। सो हमने बाइक से स्टार्ट किया, देन वी स्टार्ट विद जनरेटर, फिर गाड़ी। आप सिर्फ कॉल करें हमारे नंबर पर, हमारा नंबर है 03-41-111-6868 पर, और मैकेनिक उस्ताद का मैकेनिक आपके जहाँ पे भी आप खड़े हुए हैं या ऑफिस में हैं वहाँ पहुँच के आपको सर्विस दे देगा। तो सर, अभी ये सर्विस आपकी सिर्फ कराची में है या ये पूरे पाकिस्तान में है? नहीं, फिलहाल तो कराची में है, क्योंकि माशाल्लाह आपने देखा है कराची एक बहुत डेंस सिटी है और इसी में ही बहुत वर्किंग रिक्वायर्ड है। सो फिलहाल कराची में, बट वेरी सून इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर, वेरी नेक्स्ट ईयर लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद में सर्विस स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये रोज़ाना कितनी कॉल्स आ जाती हैं आपके पास और कितने आप क्लाइंट्स को डील कर लेते हैं? कॉल्स तो माशाल्लाह बहुत हैं, फेसबुक हमारा मैकेनिक उस्ताद का पेज है, बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं, लोग बहुत ज़्यादा हमारी सर्विस को समझते हैं कि ज़रूरत उनकी बहुत ज़रूरत है, तो हम लोग माशाल्लाह डेली 100+ इंक्वायरीज हमारे पास आ जाती हैं, जिसमें से हम 20% लोगों को सर्व कर जाते हैं, फिर आगे स्केड्यूल हो जाती हैं चीज़ें हमारे पास, तो ये सर्विस तो ऐसे ही चलती रहती है, इंक्वायरीज तो माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे पास। और मैकेनिक्स कितने रखे हुए हैं? मैकेनिक्स तो बहुत हैं, क्योंकि हमारा बेसिकली अमन टैक और मिट्टी से साइन है, हमारे पास सर्टिफाइड मैकेनिक्स होते हैं, सो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि मैकेनिक कितने आने चाहिए। फिलहाल हमारे पास 15-20 मैकेनिक्स आराम से कराची में रोल कर लेते हैं हम लोग, बाकी हमारे वेंडर्स भी हैं जो कि हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं सर्विस में। हमारे आपके मैकेनिक को आप ये भी सिखाते हैं कि आपने कस्टमर से बात कैसे करनी है, और वो जो अक्सर हमने देखा है कि हम मैकेनिक शॉप से जाते हैं वो कुछ गुटखा या छालिया वगैरह खा रहे होते हैं, ऐसा है कुछ? नहीं, हमारे मैकेनिक्स को स्ट्रिक्टली ये चीज़ पाबंद की गई है कि आपने कस्टमर के सामने या वैसे भी गुटखा इस तरह की चीज़ें नहीं खानी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन सारे पढ़े लिखे मैकेनिक्स भी हैं, और जो नहीं भी हैं, जो चीज़ खाते थे हमने उनको स्ट्रिक्ट कर दिया कि यार ये चीज़ छोड़ दो, और आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रूम भी हो रहे हैं क्योंकि वो लो प्रिविलेज एरिया से हैं, हम चाहते हैं कि वो थोड़े से पढ़े लिखे लगे हैं, थोड़े से यूनिफॉर्म में कैप पहन के कस्टमर के पास जाएं, थोड़ी सी रिस्पेक्ट को गेन करें, तो उनको भी अच्छा लगेगा काम करते हुए। मसाइल परेशानियाँ जो जो कुछ सामने आ चुकी हैं अब तक, वो क्या हैं? मसाइल परेशानी ये है कि एक तो ये जो लेबर हमारी जो मैकेनिक्स की है, इनको समझाना कि किस तरीके से काम करना, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है, और अलहमदिल्ला आहिस्ता आहिस्ता हम इस पर ग्रिप कर चुके हैं। सेकेंडली, कस्टमर को समझना यार ये सर्विस उनके लिए प्रीमियम सर्विस है, तो वो समझ जाए अगर कि यार एक कॉल पे मैकेनिक आ रहा है जो कि नहीं आता, तो ऑफकोर्स प्रीमियम सर्विसेज के प्रीमियम चार्जेस भी हैं थोड़े से। मार्केट में अगर चीज़ 800 रुपये की है तो हमारे पास 1000 रुपये की है, लेकिन हम लोगों ने वैसे भी फॉर एग्जांपल 70cc है, 300 रुपीज़ हम चार्ज कर रहे हैं, बंदा आपके घर पर आ रहा है, ट्यूनिंग करके, फिल्टर चेंज करके चला जाता है। अच्छा, फेक कॉल्स और फेक ऑर्डर्स भी आते हैं, ऐसा कुछ सामने हुआ है आपको? बहुत ही कैजुअल, मीन्स लाइक 100-200 में से कोई एक आध बंदा ऐसा होता होगा जो फेक कर दे। हाँ, जाली करता है। हाँ, ये होता है कि कस्टमर ने ऑर्डर बुक करने के बाद फोन नहीं उठाया, वो सोता रह गया, दिस इज समथिंग लाइक हैपनिंग टू अस, बट वो रूटीन की चीज़ है हमारे लिए। लेकिन फेक कॉल्स नहीं, फेक कॉल्स इतना मसला नहीं है हमारे। खिजर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। और खिजर हमारे साथ थे, ये वो नौजवान है जिन्होंने पाकिस्तान में पहली
ऑनलाइन मैकेनिक सर्विस शुरू किया है और इनका मैकेनिक मेरी गाड़ी ठीक कर रहा है। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगी तो मैं भी ऑफिस पहुँच जाऊँगा। वाह उस्ताद, मान गए इस मैकेनिक को। अच्छा एक दिलचस्प बात ये भी है कि जो जितने मैकेनिक्स भी इनके साथ में अटैच्ड हैं, इनके साथ में काम कर रहे हैं, वैसे तो ये देखा गया है ना कि भाई अगर मैकेनिक है एक बार इंजन खुला तो 6-8 घंटों के लिए खुल गया। इनके ऐसा नहीं है, ये प्रॉपर ब्रेक्स भी देते हैं और प्रॉपर पे भी करते हैं। और जिस तरह शाहरुख की गाड़ी को ब्रेक लग गई थी लेकिन मैकेनिक के आने के बाद वो ब्रेक हट गई, हमारे पास जो मैकेनिक है वो कह रहा है ब्रेक लगाओ लगाओ ब्रेक। बहुत जरूरी है, हेडलाइंस के साथ आएंगे तब ब्रेक नहीं होगा। क्वेटा से अफसोसनाक खबर आ रही है, आपसे शेयर करेंगे। क्वेटा का इलाका हजारगंजी, यहां पर धमाका हुआ और 16 अफराद शहीद हुए, 30 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे। वही मौजूद समा के नुमाइंदे शाह हुसैन हमारे साथ हैं। शाह हुसैन, रेस्क्यू का काम कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, शवायद इकट्ठा किए जा रहे हैं, जख्मियों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल आज सुबह तकरीबन 8:15 या 8:30 बजे के दरमियान ये ब्लास्ट हुआ। हजारगंजी सब्जी व फ्रूट मंडी जो कि शहर से तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर के फासले पर वाक़ हैं और इस वक्त हम मौजूद है सब्जी मंडी के अंदर मौजूद है जहां पे धमाका हुआ था और यहां DIG पुलिस और दिगर हुकाम ने भी विजिट किया। अब से थोड़ी देर पहले DIG पुलिस अब्दुलरजाक चिमा ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि धमाके में 16 अफराद शहीद हुए जिसमें एक सिक्योरिटी एहलकार और 15 शहरी शामिल है। और उनका ये कहना था कि धमाका जो है वो सब्जी मंडी के अंदर आलू के स्टोर के सामने उस वक्त हुआ जब आलू लोड किए जा रहे थे, एक ट्रक भी खड़ा था और यहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी कि एक ब्लास्ट हो गया था। हम उन्होंने ये नहीं बताया कि ये ब्लास्ट किस नौयत का था और उनका कि अभी तक शवाहद इकट्ठे किए जा रहे हैं और धमाके की नौयत का पता लगाया जा रहा है कि उसमें कौन सा डिवाइस इस्तेमाल हुआ, टाइम डिवाइस था या कुछ और था। तो तमाम 30 जख्मी हैं जिनमें 4 सिक्योरिटी एहलकार, 4 FC एहलकार भी उन जख्मी में शामिल है जबकि जानबाहक होने वाले अफराद में 2 बच्चे और 1 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल है। तमाम जख्मियों को सिविल अस्पताल और बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जहां पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और जख्मियों की जो हालत है उनमें से मुतादिद की हालत अब भी तशवीशनाक बताई जा रही है और तकरीबन 4 जख्मियों को सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया है जो कि शदीद जख्मी नौयत के बताए जा रहे हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मंडी जो है वो उसके बाद फोर्सेज ने मंडी को घेरे में ले लिया और यहाँ पे शहरियों की आमद रफ्त बंद कर दी गई है और जो लोग मंडी के अंदर मौजूद है वो अपने अपने क्वार्टर्स में बैठे हुए हैं और जो कारोबार है मंडी का वो बंद हो गया है और फोर्सेज शवाहद इकट्ठे किया जा रहा है। बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी अपने काम में मसरूफ है और धमाके की नौयत का पता लगाया जा रहा है। जी सर, ठीक है, आप हमें सिलसिले में अपडेट कर रहे थे। शाह हुसैन, क्वेटा खून खून हुआ एक बार फिर, आपने हमको बताया 4 जख्मी ऐसे हैं कि जिनकी हालत तशवीशनाक है, इनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जा रही है, अस्पतालों में इनको मुंतकिल किया गया है। 30 जख्मी मजमूई तौर पर यह कहा जा रहा है, 30 जख्मियों को यहाँ लाया गया, 16 अफराद की जाने गई हैं। ये धमाका सब्जी और मार्केट में हुआ है, DIG पुलिस ने इस सिलसिले में यही बताया। आसपास के इलाके के बारे में आपको बता दें, लोगों को यहाँ पर आने जाने से रोका जा रहा है, ये रास्ते बंद किए गए ताकि शवाहद को इकट्ठा किया जा सके और रेस्क्यू का काम मुमकिन बनाया जा सके। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में करोड़ों बच्चे आवारगी की जिंदगी गुजार रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन डे आज मनाया जा रहा है तो उस दिन की मुनासिबत से आपसे हम शेयर कर लें कि इस दिन का जो मकसद है इन बेघर बच्चों को दीगर बच्चों जैसी आसाइशें मुहैया करना, यानी तालीम, सेहत, तफरी, ज़हनी तरबियत, इसके हवाले से लोगों में शऊर उजागर किया जाए, तो इसीलिए आज इस पर हम बात कर रहे हैं। और आपको इस सिलसिले में आज हम मिलवाते हैं किसी से। इस्लामाबाद में एक पार्क ऐसा है जहां उस्ताद मौजूद हैं, ये रोज़ाना ही शाम के वक्त स्ट्रीट चिल्ड्रन को इकट्ठा करते हैं, आसपास कच्ची आबादी में बसने वाले बच्चों को इकट्ठा करते हैं और फ्री स्कूल चलाते हैं। सुबह क्या करते हैं, किस तरह से शाम में आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, इसी सब पर जानने के लिए हम अरहम खान के पास चलते हैं। जी बहुत शुक्रिया किरण और शोएब, और आज जिस मौजू पर आप लोग और हम लोग जो बात करने जा रहे हैं ये बहुत अहम मौजू है। पाकिस्तान में तकरीबन 15 लाख ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, इस वक्त एक ऐसे स्कूल में मौजूद हैं जिसको चलाते हैं मास्टर अयूब और ये गुज़िश्ता 36 सालों से यहाँ पर स्कूल लगा रहे हैं। तकरीबन 250 के करीब बच्चे जो हैं वो यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, 1 से लेकर 10 क्लास तक यहाँ पर तालीम दी जाती है। इस वक्त मेरे पास कुछ बच्चे मौजूद हैं इसी स्कूल के, उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि उन्होंने क्या कुछ यहाँ पर आके सीखा है और पाकिस्तान के लिए वो क्या करना चाहते हैं, बड़े होके वो क्या बनना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताओ
आपके यहाँ पर जब स्कूल में आए तो क्या कुछ सीखने को मिला और क्या बनना चाहते हो? जब मैं यहाँ स्कूल में, मुझे 5 साल हो गए स्कूल में, मास्टर युग ने बहुत अच्छी बातें सिखाई हैं, दूसरों का, बड़ों का अदब करना, छोटों से मोहब्बत करना, बहुत सी मास्टर युग ने अच्छी बातें सिखाई और मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। बच्चियाँ भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं पूछती हूँ कि वो कब से यहाँ पर तालीम हासिल कर रही हैं, मुझे बताओ अपने बारे में। मेरा नाम मैरियर, मैं 7 साल से यहाँ पर पढ़ रही हूँ और मैं 9th-10th class में हूँ और मुझे डॉक्टर बनना है, पाकिस्तान की खिदमत करनी है। और मैंने यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखा, डिसिप्लिन, फेथ, यूनिटी, बहुत सी चीज़ें, उठना बैठना। इन्होंने बहुत अहम मैसेज दिया है कि यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन इन्होंने सीखा है, जो कि आजकल हम लोगों को भी सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक और बच्ची मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताओ और यहाँ पर आके क्या कुछ सीखने का मौका मिला। मेरा नाम नेहा है, मैं 10th class में पढ़ रही हूँ और मुझे 10 साल हो गए यहाँ पे पढ़ते हुए और यहाँ पे टीचिंग भी कर रही हूँ और सब भी रही हूँ और मुझे यहाँ पे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं टीचर बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। जी, जिस तरह से इनकी बात आपने सुनी कि इनको पढ़ाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, यहाँ पे मेरे साथ एक और स्टूडेंट भी, जो स्टूडेंट रह चुके हैं स्कूल के, फरहत अब्बास, और अब वो बच्चों को यहाँ पर पढ़ाने के लिए आते हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराती हूँ। मैं फरहत के पास आ गई हूँ, और पहले ये स्कूल में पढ़ते थे जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया, और अब ये बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था और अब बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस कैसा है, फरहत से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहत, मुझे बताएं कि कितना अर्सा आपने स्कूल में पढ़ा और आप क्या समझते हैं कि जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं उनको पढ़ाने की कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी है, वो आपकी, मेरी, हम सब की कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तकरीबन 9.5 साल की एज में मास्टर यूब साहब से मिला हूँ, तो उन्होंने मुझे पढ़ाना स्टार्ट किया केजी क्लास से। तब मेरा खुद का शौक़ नहीं था होता कि मैं किसी स्कूल में जाकर पढूं या कुछ, तो इनकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मैंने अभी मास्टर्स कंटिन्यू किया हुआ है। केजी क्लास से, इस ग्राउंड से स्टार्ट किया था और इनकी वजह से मैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब जगहों पर गया हूँ। मैं आज शायद वैसे का वैसे ही रह चुका होता अगर मेरी इनसे मुलाकात ना हुई होती। तो पढ़ते पढ़ते मास्टर यूब साहब के साथ मेरा खुद की इतनी इनसे इंस्पायर हुआ हूँ कि मेरा दिल किया कि मैं भी इन स्ट्रीट चिल्ड्रंस को पढ़ाने की कोशिश करूँ। जिस तरह से आपने सुना कि फरहत बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं अपने उस्ताद से, इस तरह से लोग ऐसे हैं जो अपने टीचर से इंस्पिरेशन लेते हैं और इस तरह के जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं उनको पढ़ाने के लिए उन्होंने स्कूल्स ओपन किए हुए हैं, पढ़ा भी रहे हैं बहुत से लोग। अभी मैं आप लोगों की मुलाकात कराऊंगी मास्टर अयूब से, जो यहाँ पर गुज़िश्ता 36 सालों से इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो क्या समझते हैं कि उन पे कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे आपने ये बताना है कि यहाँ पर आप कितने अरसे से इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आप क्या समझते हैं कि स्ट्रीट चिल्ड्रन जो ये बच्चे हैं इनको पढ़ाना कितना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मास्टर मोहम्मद अयूब मेरा नाम है, मैं सिविल डिफेंस वर्कर हूँ और फायर ब्रिगेड में एज ए फायर फाइटर मैं अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता रहा हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब यूँ दूंगा कि जब मैंने ये काम शुरू किया था उस वक़्त ये बात महसूस की थी कि इस इस्लामाबाद के अंदर, अमीरों के शहर के अंदर, लिखे पढ़े समझदार लोगों के शहर के अंदर ये जो बच्चे हैं अजियत में हैं, ये जो बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे, गरीब हैं, इनके पास कापियाँ नहीं हैं, इनके पास पेंसिलें नहीं हैं, इनके पास फीसिस नहीं है, इनका क्या बनेगा, मेरी सोच थी और इसी सोच को मैं लेके चला था और यही मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अगर मेरे इस मुल्क के ये गरीब गुरबा बच्चे, मजदूरी करने वाले, जिन पर अजियत है, जो किसी मजबूरी की वजह से, जिनके माँ बाप नहीं हैं, गरीब हैं, यतीम हैं या कोई मसला है, मजबूरी है, तो पढ़ नहीं पा रहे, तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अगर ये पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है इनमें से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई फ़ौज में जाएगा, कोई सिपाही बनेगा, मेरा मुल्क तरक्की करेगा। और अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो ये चोर बनेंगे, ये डाकू बनेंगे, ये दहशतगर्दों के काबू आएंगे, तो मेरा मुल्क तरक्की नहीं करेगा बल्कि घाटे में जाएगा और हम बहुत पीछे चले जाएंगे, जबकि हमें दुश्मन ललकार रहा है। मैं अपने इन सवालों के जवाबों के अंदर यही कहूँगा, मैं जो अपनी इन बच्चों को बना रहा हूँ, इनको जो तालीम के साथ तरबियत दे रहा हूँ, अपने मुल्क के लिए एक ताकत बना रहा हूँ ताकि हम उस दुश्मन को बता सकें कि हम पढ़े लिखे हैं, हमारे अंदर वो साइंसदान मौजूद हैं, हमारे अंदर वो अक्लमंद मौजूद हैं, हम मुकाबला कर सकते हैं। मुकाबला हम तभी करेंगे जब इनको सिखाएंगे, जब इनको पढ़ाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया मास्टर अयूब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से आपने सुना, उन्होंने बहुत प्यारी बातें की हैं कि अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे तो जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं उनको पढ़ाना हमारी भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की तो जिम्मेदारी है ही है, लेकिन हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इन बच्चों पे खास तवज्जो दें। जी
बहुत शुक्रिया अरहम, साथ आप मौजूद थे। जिस तरह आपने हमें मिलवाया एक ऐसे शख्स से, एक बुजुर्ग शख्स से जो कि मिसाल कायम कर रहा है नौजवानों के लिए, तो नौजवान पीछे बिल्कुल नहीं है। जिब्रान हैदर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ही इज अ सोशल एक्टिविस्ट। जिब्रान, वेलकम टू नया दिन। आपका इदारा बज़ौते खुद आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वी एम वॉचिंग यू। एक आम तासुर ये आता है जब हम स्ट्रीट चिल्ड्रन की बात करते हैं, जो बच्चे भीख मांग रहे हैं या जो बच्चे चौक चौराहों पर खड़े हैं, सिग्नल्स पर खड़े हैं, तो एक आम ख्याल ये आता है एक माफिया है जो कि इनके पीछे है और वो माफिया इनको रेगुलेट कर रहा है, इनको देख रहा है। ये बात सही है, ये माफिया है? देखिए बिल्कुल ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। आप अगर डिफरेंट चौरंगों पर चले जाएँ, जिस तरह से उनको वहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है या जिस तरह से उनको ट्रेन किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, बकायदा इनके पीछे कुछ लोग हैं जो इनको सुबह ड्रॉप भी करते हैं और शाम के टाइम पे इनको लेकर भी जाते हैं वहाँ से। अब ये कुछ एक किस्म की वहाँ पे माफिया इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें दो से तीन किस्म के लोग इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा। सबसे पहले तो वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जो 2010-2011 में इंटीरियर इनसे सैलाब के बायस माइग्रेट करके कराची आए यहाँ पर। अब उनमें जो हमारे अक्सर आपने देखा वो गाड़ियों के आगे वाइपर लगाते हैं, बैलून्स बेचते हैं। अब जो उनके बड़े हैं उनका यह ख़ानदानी पेशा है, खानदानी पेशा एक तरह का। उनके जो बड़े हैं वो बेचारे जो है ना इनको सुबह भेजते हैं, रिक्शे चलाते हैं, डिफरेंट चीज़ें करते हैं, वो इनको चलाते हैं। दूसरे आते हैं अफगान, अफगान को अफगानिस्तान से, काबुल से बॉर्डर के थ्रू यहाँ लेकर आ जाया लाया जाता है। तकरीबन 40-40 की तादाद में एक बंदे के अंडर जो है वो पूरे बच्चे होते हैं, जिनकी कमाई दिन में तकरीबन आप ये देख लें अगर एवरेज निकाल लें 1000 से 1500 रुपये होती। फिर उसके अलावा कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जैसे आपने देखा होगा क्लिफ्टन में, वहाँ पे आपको भीख मांगने वाले नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आप किताबें बेच रहे होंगे, किताबें बेचने वाले, पेन बेचने वाले आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके जो है ना आपसे 4 पैसे ले ले, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, ये बकायदा आप ये एक चीज सोचे ना। आपका प्रिस्क्रिप्शन इस तरह से भी आते हैं कि ये दवाएं मुझे खरीदने थोड़ा सा हेल्प कर दें। हाँ जी, बहुत सारे आइडियाज। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कुछ लोग मतलब जो है बकायदा इनको ट्रेन किया जाता है, इनको सिखाया जाता है कि आप लोगों के पास ऐसे जाए, ऐसे मासूम बन के आप बात करें। तो अभी इसके ऊपर काम हो रहा है एक तरह से, जो लोग भी हैं इसके पीछे उनके ऊपर एक तरह से जो है पाबंदी है। आप अगर 50s का इन निकाल लें, आप 80s का इन निकाल लें, जो भीख मांग रहा है उसके लिए अलग कानून है। एक्ट्स तो आते रहे, लॉ तो आता रहा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का हमने फुकदान देखा। क्योंकि अगर आपने लोकेट कर लिया या आप और सोशल एक्टिविस्ट हैं या कुछ इदारे जिन्होंने लोकेट कर लिया कि देर आर माफियाज, तो फिर कार्रवाई उनके खिलाफ क्यों नहीं होती? क्या पुलिस भी मिली होती है? देखिए आप पुलिस को प्रॉपर तौर से ब्लेम नहीं कर सकते अगर एक तरह से देखा जाए तो, ये एक जिम्मेदारी होती है हुकूमत की। अगर एक पुलिस वाला बच्चे पकड़ता है तो जाहिर सी बात है एक बच्चे को जेल में नहीं रख सकता क्रिमिनल्स के साथ। उनका एक प्रॉपर एक सेंटर होता है, उनका एक प्रॉपर एक शेल्टर होता है जहाँ पे उन बच्चों को रखा जाता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से सहन में है ही नहीं, इसलिए पुलिस फिर उन्हें उठाती नहीं कि रखना कहाँ पे है। फिर पुलिस ने हमने जब बाज दफ़ा जब हमने इस पर कार्रवाई की तो पुलिस ने बच्चे उठाए। अब जाहिर सी बात है ये डिपार्टमेंट आ जाता है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की पूरी सारी चीज़ें अंडर। अब उनके ना ऐसे कोई शेल्टर होम्स बने हुए हैं, ना उनके कोई प्रॉपर प्लान बना हुआ है कि अगर कोई बच्चा भिखारी है या उससे कोई भीख मंगवा रहा है तब हम उसको ले आए और कहाँ रखें, उसको एजुकेशन दे तो कौन सी दें। अच्छा, ये एजुकेशन दे तो कौन सी दें, ये मुझे ज़रा इन बच्चों के बारे में बताएं। जिस बच्चे के पास में अपना ठीक से अच्छे से घर नहीं है, स्कूल नहीं है, इस तरह से उसको छोटे छोटे से कामों में उलझाया हुआ है, उसको पुलिस से भी बात करनी आती है, उसको पता है मुझे यहाँ से मार खानी है और फिर मुझे यहाँ से निकलना कैसे, उसको ये सारे हालात पता है। ऐसे बच्चे को तालीम की जानिब माइल करना, रागिब करना, ये कितना मुश्किल टास्क होता है। देखिए सबसे ये आपने बात बिल्कुल सही कही, जो सबसे बड़ा जिसमें चैलेंज होता है ना, चैलेंज ये होता है एक बच्चा अगर दिन के 500 रुपये कमा रहा है वो आपके पास पढ़ने क्यों आएगा शुरू में? तो उनकी एक प्रॉपर तौर से काउंसलिंग होती है, उनका एक प्रॉपर तौर से उनको ये चीज़ सिखाई जाती है कि आप ये जो चीज़ कर रहे हैं ये सिर्फ टेम्प्रेरी चीज़ें हैं। क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे भी इस चीज़ में देखे हैं जो बच्चे तो होते हैं पर जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको ड्रग्स दे के उनको उसका एडिक्टेड बनाया जाता है, फिर उनसे चोरियाँ करवाई जाती हैं, उनसे डिफरेंट क्राइम्स करवाए जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है अगर इस काम में किसी बच्चे को तालीम की तरफ लेकर आ जाना। सही, और हमने देखा गुज़श्ता हफ्ते एंटी चाइल्ड बेगरी वॉक का भी इनेकाद किया गया कराची में, क्योंकि मकसद यही था कि जो बच्चे भीख मांग रहे हैं उनको आप उस प्रैक्टिस को कर्व करें और उनको एजुकेशन की तरफ लेकर आएँ, क्योंकि उनके भी हकूक वही हैं जो एक आम शहरी के, एक आम बच्चे के हैं। वो वॉक कैसी रही, उसके बाद क्या देखा आपने, कुछ फ़र्क आया एक हफ्ते में? देखें ये जो वॉक्स अक्सर होती रहती हैं ये उसी तरह से एक वॉक ये भी हो गई। सही, पर उसकी तरह से अभी तक कोई अपना इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आया।
और देखिए हमने उसमें देखा पुलिस ऑफिशियल्स भी थे, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी थे, उनने काफी बातें की थी, तो मसला फिर कहां पर आ जाता है? देखिए मसला इन दी एंड ये आ जाता है जब हमने पुलिस चीफ से बात की, वो जाती तौर पे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज़ में कि मैं इस चीज़ को ख़त्म करूँ, पर इन दी एंड बात आ जाती है हुकूमत पे कि अगर हम बच्चे दें तो हम रखें कहाँ पे, अगर हमने एक तरह से उनको एक चीज़ प्रोवाइड भी की, हमने ये कहा कि 5,000 बच्चे आप हमें दे दें, हम उनको पढ़ा रहे हैं कैसे, आपके पास इतने वसाइल हैं? देखें वसाइल की बात आ जाती है वफाक से, ओके इसमें हमने जब इस पर जब काम स्टार्ट किया, डिफरेंट एन जी ओज को साथ मिलाया, कराची की एक से ज़ायद एन जी ओज डिफरेंट अपना बूट पर आ गई इन बच्चों के लिए काम करने के लिए, तो उनमें से जो बैतुल माल के जो प्रेसिडेंट हैं हुनैद लखानी सिंध के, उन्होंने ये इंटरेस्ट लिया, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप हमें 5,000 बच्चे दे रहे हैं हम उनको एजुकेट कर रहे हैं, ओके क्योंकि उनके पास प्रॉपर एक तौर पर इदारा भी है, डिफरेंट सारी चीज़ें भी हैं, तो वहाँ हम उनको रिहैबिलिटेट करके उनको आगे मजीद पढ़ा सकते हैं। वैसे स्टैट्स कराची में कितने बच्चे हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन? देखें अगर आप 2010 की रिपोर्ट ले लें उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं है, उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं है, उसको 1.5 मिलियन बेगर्स इन कराची हैं, सिर्फ 1.5 मिलियन 2010 में थे, 2010 अभी की कोई रिपोर्ट नहीं है, बट डेफिनेटली बड़े कोई रिपोर्ट नहीं है, ऑफिशियल कोई रिपोर्ट नहीं निकली जिस पे ये चीज बोली जाए कि कराची में इतने बेगर्स यहाँ पे काम करते हैं। बट हम जिमरान ये भी देखते हैं, सॉरी कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अक्सर हम देखते हैं कि स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए काम हो रहा है स्कूल, जिस तरह क्लिफ्टन में हमने देखा एक स्कूल था, फुटपाथ स्कूल देखा है, प्लॉट देखे हैं, बाद में हुकूमत ने फैसिलिटेट भी उन्हें जगह भी प्रोवाइड की, वो ये टूल कितना इफेक्टिव रहा है? सर ये देखें ये अपनी नाअहली को छुपाने के लिए उनको अपना जो है ना आपने थोड़ा कुछ अपना दे दिया, पर बात दरअसल ये होती है आप एक भिखारी को ये शो आप करवा रहे हो कि आप भिखारी हो, स्कूल का निज़ाम कभी भी ये नहीं होता कि आप फुटपाथ पे चले जाएं, चार चेयर्स लगा लें और एक बोर्ड बना लें, उनको प्रॉपर तौर से एक अपना एक्टिविटी सेंटर उठता है, 10 चीज़ें होती हैं, प्रॉपर गवर्नमेंट के इतने स्कूल्स बने हुए हैं, आप एक स्कूल उठा के आप उन बच्चों को जो ना पढ़ा लें, पर बात फिर भी इन दी एंड पे ये आ जाती है कि स्कूल तो लेकर जाएँ। सही, बिल्कुल क्विकली मुझे बताइएगा, बिल्कुल वक्त ना बहुत थोड़ा थोड़ा सा रह गया, मुझे ज़रा जल्दी से ही बताइएगा आम लोगों को, आप जो काम कर रहे हैं बहुत मुश्किल है, या ये जो ख्याल है लोगों का एक माफिया से टकराना होगा, लोग हमारे घर पर आ जाएंगे, डंडे ले आएंगे, गोलियां चल जाएंगी, अगर हमने किसी भी स्ट्रीट चिल्ड्रन के ऊपर हाथ रखने की कोशिश की, उनको जो ना वो फैसिलिटेट करने की कोशिश की थोड़ा सा, तो ये समझा दीजिए लोगों को कि ये उतना मुश्किल भी नहीं है। नहीं ये बिल्कुल इसमें मुश्किल नहीं है, अगर लोग डंडे लेकर आते हैं, डंडे हमारे घर में भी होते हैं, तो ऐसी सिर्फ कोई चीज़ बात नहीं है, आप जब हम चीज़ के ग्राउंड रियलिटी पे नहीं होते तो चीज़ें बाज वो मुश्किल नज़र आती है, पर ये उतनी मुश्किल नहीं है जितनी मुश्किल हमारी हुकूमत है इसको करने में, हुकूमत मुश्किल कर रही है और आम आदमी अपना किरदार अदा नहीं कर रहा उस तरह से जैसे करना चाहिए। देखिए आम आदमी अगर अपना किरदार अदा भी कर दे वो इन दी एंड पे आके फेल हो जाता है, ठीक जब तक ये काम रियासत का है, ये काम अपने इदारों का है, रियासत अपना काम करेगी तो फिर ही हम ऐसे बच्चों को भटकता हुआ नहीं देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे, एक और अहम मौजू है उसकी तरफ बढ़ना बहुत आसान है। क्राइस्ट चर्च जिसको एक माह मुकम्मल हो गया, तो पाकिस्तान ने शहदा को खराज अकीदत और मुतासर मस्जिद से इजहार यकजहती की है। मुस्लिम इंस्टीट्यूट की जानब से 25,000 अफराद शोरकोट में दरबार हजरत सुल्तान बाहू में मौजूद हैं, सफ़ेद और सुनहरी इमामा पहनकर खुद को क्राइस्ट चर्च मस्जिद के खाके में ढालेंगे और ये पैगाम देंगे कि मसाजिद अमन की जगह है। थोड़ा सा ये मनाजिर भी गज़रा गौर से देखिए, ये सब्ज़ा ही सब्ज़ा है और वहाँ सफ़ेद कपड़े इन्होंने पहने और अमन है, सलामती है, पैगाम इस्लाम का आज इन्होंने ये बताया नए सिरे से। और इस हवाले से मजीद बात करते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं यूसुफ चीमा। यूसुफ ये मनाजिर जो हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं किस तरीके से अमन का पैगाम देती हैं मसाजिद ये सफ़ेद लिबास, मैं चाहूँगा एक्सप्लेन कीजिए जो आप वहाँ पर देख रहे हैं। बिल्कुल शुएब, जिस तरह आप बता रहे हैं कि एक अमन का मैसेज दिया जा रहा है, अल नूर मस्जिद जो है उसकी फॉर्मेशन यहाँ पे लोगों के मुताबिक यहाँ पे बनाई गई है, जिस तरह से सफ़ेद रंग जो है वो क्योंकि मस्जिद का रंग सारा जो था वो सफ़ेद था, तो इस हवाले से मस्जिद को रंग बताया गया, इसके साथ साथ गोल्डन कलर जो है जो गुंबद का कलर था उस हवाले से उन्होंने मुकम्मल एक फॉर्मेशन तैयार की है। अगर मेरा कैमरामैन पीछे दिखा सकता है तो एक बड़ी तादाद के अंदर मुस्लिम इंस्टीट्यूट के लोग जो हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इनके मुताबिक तकरीबन 25,000 लोग जो हैं इस वक्त यकजा हैं इस ग्राउंड के अंदर, सुल्तान बाहू दरबार साहब है जहाँ जिसके ग्राउंड में इस वक्त लोग मौजूद हैं, बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर दुरूद सलाम भी पढ़ा जा रहा है, साथ साथ जो है यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं और ये एक पैगाम दिया जा रहा है लोगों को और पूरी दुनिया को कि मुस्लिम उम्मा जो है वो एक अमन पसंद
लोग हैं और इस्लाम जो है वो अमन का पैगाम देता है, तो इस पैगाम को यहाँ से आज एक बहुत बड़ा मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि सानिया न्यूजीलैंड जो है उसको एक माह मुकम्मल हो गया है, तो उस एक माह मुकम्मल होने के बाद जो है पाकिस्तान की जानिब से एक जो मुस्बत पैगाम है वो यहाँ से जारी किया जा रहा है। जी यूसुफ, आप हमें अपडेट करें, और साथ साथ जिस तरीके के मनाजिर आप हमें दिखा रहे हैं कि मस्जिद अल नूर की फॉर्मेशन किरण कितनी खूबसूरत, बिल्कुल प्रॉपर, देखिए किस तरह से कितने डिसिप्लिन से आ रहे हैं। yes. और ये ना गुंबद बनता चला जा रहा है। वो एक्चुअली जो मस्जिद है इन्होंने उसको बनाने की कोशिश की है, यहाँ पर फॉर्मेशन उसकी दिखा रहे हैं। ये व्हाइट कलर था वहाँ, तो व्हाइट कलर यहाँ भी मस्जिद अल्लाह का घर जिसे बना रहे हैं मुसलमान, और किस फॉर्मेशन से ये मंजर हम देख रहे हैं। और किरण कितनी मेहनत की होगी इन बच्चों ने, जाहिरी बात है वो एक प्रॉपर फॉर्मेशन है कि एक कतार अंदर कतार आ रहे हैं और अपनी जगह पर खड़े होते जा रहे हैं और मंजर वाजे होता चला जा रहा है। यूसुफ चीमा, एक महीना हो गया इस सानहे को, और एक महीने के अंदर अंदर इन लोगों ने तैयारी की है सबकी। अच्छा बिल्कुल किरण, यहाँ पे अभी हम तो बड़ा फॉर्मेट तैयार हुआ हमें नज़र आ रहा है, मगर यहाँ पे इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत जो है यहाँ पे मुस्लिम इंस्टीट्यूट की जो है यहाँ पर मौजूद है, जो कि यहाँ पे कितने दिनों से यहाँ पे बकायदा तैयारी कर रहे थे, और बकायदा अब लोगों का इज्तिमा जो है यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसे तलावत की गई, नात मकबूल हुई, इसके साथ साथ जो है इस्लाम इज़ पीस का एक मैसेज जो है उन लोगों की जानब से दिया जा रहा है। बाकायदा तौर पर लोग बोल कर ये बात जो है पूरी दुनिया के अंदर फैलाना चाह रहे हैं कि इस्लाम जो है वो एक अमन का जो है गहवारा है और अमन का पैगाम देता है। इस अमन के पैगाम को उजागर करने के लिए, दुनिया भर में पहुंचाने के लिए यहाँ पे 25,000 लोग जो हैं वो यहाँ पर जमा हुए हैं, और इस चीज़ का जो है मैसेज पूरी दुनिया को दे रहे हैं कि इस्लाम जो है वो एक अमन का गहवारा है और ईमान। जी बहुत शुक्रिया यूसुफ चीमा, इस्लाम अमन का गहवारा है, आज ये पैगाम दिया जा रहा है, और पाकिस्तान यहाँ भी आना चाहिए है, हम बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, ये सारी की सारी बातें भी हो रही हैं। एक और ख़बर है, ज़रा जल्दी से आपको बता दें, अहलन वसहलन मरहबा यही कहने का मौका आया इमाम काबा डॉक्टर अब्दुल्ला अव्वाद 5 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे, वहाँ इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की इमामत करेंगे। इमाम काबा पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे, प्लान तो कुछ सुना ऐसा भी है। इमाम काबा 13 और 14 अप्रैल को पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, इसके अलावा वो लाहौर भी जाएंगे और बादशाही मस्जिद में भी नमाज की इमामत करेंगे। इमाम काबा डॉक्टर अब्दुल्ला अव्वाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी के सेमिनार से खिताब करेंगे, उनके प्लान्स में, उनके शेड्यूल में ये सब भी शामिल है। मैं बहुत ममनून हूँ कि आप इतनी अच्छी अच्छी खबरें आज लेकर आई हैं, क्या मैं खामोश हो जाऊँ ममनून के नाम पर? नहीं, आप ममनून तो हैं लेकिन खामोशी तोड़ दें। उन्होंने भी खामोशी तोड़ी है, खामोशी तोड़ी है और तोड़ने जा रहे हैं। कितनी तोड़ेंगे हम जब ऐसे सवाल उनसे करेंगे। हम बात करें साबिक सदर ममनून हुसैन की, क्योंकि उनकी जो मकबूलियत है वो खामोश अंदाज की वजह से उनको मिली, मुसलसल खामोशी, एक दो बार बोले भी हैं, जिक्र भी उन्होंने कुछ ऐसा किया था, तो आज हम जरा उन्हीं से बात करेंगे। ममनून साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सर वेलकम टू नया दिन। आजकल मसरूफियात क्या है आपकी, सदर के बाद की जिंदगी कैसी है, जरा लोगों को बताएं। सुबह जरा आराम से उठता हूँ मैं, फजर की नमाज पढ़ के सो जाता हूँ, और उसके बाद फिर तकरीबन 9:30 बजे उठता हूँ, और फिर उसको जब पढ़ना, थोड़ा टेलीविजन देख लेना, और उसके अलावा ये कि बाद में फिर शाम को कुछ और लिखने पढ़ने का काम कर लेते हैं। सारा ये है कि कोई खास मसरूफियत ऐसी नहीं है जो काबिल जिक्र हो। अच्छा, सवेरे सवेरे अपना गला भी कुछ खराब सा है, ये बताइएगा। हमारा शो देखते हैं आप, नया दिन देखते हैं आप? और उसके बाद नहीं, मैं बहुत कम देखता हूँ टेलीविजन, बताती कभी देख लेता हूँ, एक आध मरतबा देखा है, लेकिन हर वक्त नहीं देखता। नहीं, मैं बहुत कम देखता हूँ टेलीविजन, बताती कभी देख लेता हूँ, एक आध मरतबा देखा है, लेकिन हर वक्त नहीं देखता। सर आप मुल्क के सदर रहे हैं और मुसलसल महंगाई में इजाफा हो रहा है, लेकिन आपकी जानिब से नए सदर के लिए आरिफ अलवी साहब के लिए कोई पैगाम भी नहीं आया, कोई मुतालबा भी नहीं आया? तो ये तो आप देखें कि पूरा मुल्क क्या कह रहा है। कहा जाता है ना कि ज़बान खल्क को दकारा खुदा समझो, तो पूरी खल्क का खुदा जो है वो शिकायतों के अंबार लगाए हुए हैं। गरीब आदमी और मुतवस्सित तबके के जो लोग हैं वो तो समझ लीजिए कि बस जिंदा दरगोर हो गए हैं। ये जो महंगाई का तूफान आया है और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे ठीक होगा, और हुकूमत बजाय इसके, हुकूमत के लोग जो हैं बजाय इसके कि अपने इकदाम से
इन चीज़ों को दुरुस्त करें जो खराबियाँ पैदा हो गई हैं। बस इल्जामात बस यही कले चले जाते हैं। ये बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है कि उन्होंने ये किया है या हालात को दुरुस्त करने के लिए ये किया है, ये बताने के लिए कुछ नहीं है। बस सिवाय इल्जामात के हुकूमत के लोगों के पास और कहने को कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, आपका ताल्लुक भी कराची से ही है, जब आप सदर थे तो ये तासुर पाया जाता था, लोग ऐसी बात करते थे कि आप तो इंतहाई खामोश रहते, कोई बात ही नहीं करते, बहुत कम मामलात पर आपने गुफ्तगू की, बहुत कम मामलात पर आपने एक्शन लिया, इस पर आपको तनकीद का सामना भी करना पड़ा, कुछ मीम्स भी बनते रहे, सोशल मीडिया पर तनकीद होती रही, लोग मजाक भी उड़ा दिया करते थे आपका। भाई राय कायम करना लोगों का हक है और जो चाहे जो राय कायम कर ले। मैंने जो आके पहले दिन से ये तय किया था कि मैं सदर जो है वो कोई बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है, ये ज़रूर है कि जब कोई इश्यूज आते हैं तो उस पर बात करता है, मैं जो भी मामलात होते थे बात करने के उनके बात करता था, बल्कि ये बहुत से मामलात पे हुकूमत से भी बात करता था कि जो मुझे पूछना होता था या मुझे कुछ बताना होता था कि ये ऐसा किया जाए या कोई सजेशन देना होता था तो हुकूमत के लोगों से भी बात करता था। लेकिन ख़ास तौर पर मैंने तलबा यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ और दूसरे तलबा के साथ अपना ताल्लुक कायम रखा, तकरीबन हर कन्वोकेशन में और हर ऐसी तकरीब में जो तालीम से मुतालिक होती थी मैं जाता था, शिरकत करता था। फिर यह कि मैंने एक ज़माने में हमारे यहाँ पहले एक डेढ़ साल से मैं अंग्रेज़ी में बात करता रहा तकारीर में भी और लोगों से मिलते हुए भी, लेकिन बाद में जब मैंने देखा कि बाहर से जो लोग आते हैं जो वजीर और हुक्मरान वो सब अपनी ज़ुबान में बात करते हैं तो फिर मैंने भी उर्दू में बात करना शुरू कर दिया था और मैंने बल्कि फिर बैन अक्वामी कॉन्फ्रेंसेज में भी चाइना में और कई जगह उर्दू में तकरीरें की हैं। फिर मैं अब वो जो मेरी तकरीर जो थी वो सिस्टम में डालते थे और उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में और दूसरी ज़बानों में होता रहता था। तो ये भी मैंने किया। उसके अलावा ये कि सेहत के मामलों में मेरी बड़ी दिलचस्पी रही और बहुत सारे बड़े अच्छे काम किए हैं, इसकी तफसील बताना तो फिर वो तो बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तालीम और सेहत के मामलों में जो मैंने किया है वो बड़ी लंबी तफसील है जो मैं बता सकता हूँ। सही। और ममनून साहब, वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, तो ऐसे में सदर का रोल क्या होता है, जस्ट MOU पे साइन कर देना या सदारती ऑर्डिनेंस लाना, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये होता है कि सदर का रोल जो है वो कुछ बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता पार्लिमानी निज़ाम में। मैं समझता हूँ कि मैंने जो रोल अदा किया यही रोल सदर अदा कर सकता है, बल्कि सदर क्या जिन मुल्कों में बादशाहत है आप वहाँ भी देख लें कि बादशाह या मलिका जो है वो भी इसी किस्म के रोल कहते हैं अदा करते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्टिव यानी सियासत में हिस्सा नहीं लेते और ये तरीका कहीं भी राइज नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि कहीं भी हमारे पड़ोसी मुल्क में देख रहे हैं और हर जगह सदर की जिम्मेदारियाँ वो महदूद होती हैं और सदर जो है वो हर चीज़ पे इजहार ख्याल भी नहीं करता है। अच्छा ये फरमा दीजिए, शरीफ खानदान पेशिया भुगत रहा है, जरदारी साहब भी अच्छी खासी लपेट में है और ऐसे में मौलाना फजल रहमान समेत दीगर अहम अपोजिशन रहनुमा मुलाकातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, इस सब की इस सारे सियासी माहौल की अहमियत क्या है, इन मुलाकातों की अहमियत क्या है? पता नहीं है कि ये क्या बातें हुई हैं, लेकिन यह कि फजल रहमान साहब ने तो ऐलान कर दिया है, जरदारी साहब ने भी ऐलान कर दिया है और मियाँ साहब अभी तक खामोश हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन यह कि मियाँ साहब ने इस मुल्क के लिए जो कारनामे अंजाम दिए हैं और उसके बाद बड़ा अफसोस होता है कि जो सलूक मियाँ साहब के साथ किया गया है, बेगम की बीमारी को भी एक कहानी बना लिया गया था और उनकी बीमारी को भी लोग कहानी बनाते हैं। मियाँ साहब जो हैं वो गैर मामूली आदमी हैं और उन्होंने पाकिस्तान की गैर मामूली खिदमत की है और ये जो करप्शन के इल्जाम मियाँ साहब पे लगते हैं ये सब बस कहानियां हैं और लोग अपनी भड़ास निकालते हैं जो मुखालिफ हैं उनके, वरना करप्शन जो है वो मियाँ साहब के करीब से भी नहीं गुजरी। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी एक तकरीर में कहा था कि जो जितना बड़ा करप्ट होता है उसका चेहरा उसके चेहरे पर उतनी नहूसत होती है। आप मियाँ साहब का चेहरा देखें कितना शादाब और कितना चमकता हुआ चेहरा है, ये करप्ट होगा तो चेहरा ऐसा थोड़ी होता है जो मियाँ साहब का। तो फिर मनहूस चेहरे किन के हैं ये तो बताइए।
ये तो आप खुद देखें, मैं ये तो हर आदमी को खुद देखना चाहिए और खुद समझना चाहिए, ये थोड़ी मैं किसी के मुतालिक कह सकता हूँ। ये तो मियाँ साहब के मुतालिक मैंने इसलिए कहा कि उनको जो करप्शन के इल्जाम लगते हैं वो बेबुनियाद हैं। सही, ममनून साहब बहुत शुक्रिया, साथ आप मौजूद थे और आगे अब हम कह सकते हैं कि खामोशी तोड़ी है, जिस तरह किरण आप कह रहे हैं खामोशी तोड़ेंगे, खामोशी तोड़ी है, खुलकर बात की है। लेकिन एक जिम्मेदारी उन्होंने फिर डाल दी हमारे ऊपर, मनहूस लोग कौन है, मनहूस चेहरे कौन है, हम ढूंढ के बता दें। खैर चले, जो हम ढूंढ सकते हैं हम वो कर लेते हैं, जिस खबर के पीछे हम जा सकते हैं हम उसकी बात कर दें। जैसे कि हमने कल बात की थी कराची में दूध की कीमतों से मुतालिक, लेकिन क्या ये मसला सिर्फ कराची का है? नहीं भाई, लाहौर का मसला भी है, पंजाब का मसला भी, सिर्फ कीमतों का मसला नहीं है। वहां जो दूध मिल रहा है बहुत अलार्मिंग खबर है, वो दूध आपको अंधा कर सकता है, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक सूबे भर में खुले दूध के नाम पर जो फरोख्त किया जा रहा है उसे पॉइजन कहना चाहिए, और ये अंधेपन समय दिल की बीमारियों का बायस बन सकता है। फूड अथॉरिटी की नई पॉलिसी के तहत 2022 तक सूबे भर में खुले दूध की फरोख्त मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी, इसे बंद कर दिया जाएगा। पंजाब में दूध के नाम पर जहर की फरोख्त, केमिकल मिला दूध अंधेपन का बाइस बन सकता है, पंजाब फूड अथॉरिटी की ब्रीफिंग ने सनसनी फैला दी। फूड अथॉरिटी के सर्वे से पता चला कि ज्यादातर इलाकों में दूध के नाम पर बेचा जाने वाला केमिकल मिला दूध इंसानी सेहत को शदीद खतरात में मुब्तला कर रहा है। दूध में शामिल केमिकल इंसानी सेहत के लिए जहर से कम नहीं, क्योंकि ये अंधेपन, दिल की बेतरतीब धड़कन और बेचैनी का सबब बनता है। डेयरी फार्म इंडस्ट्री की सालाना पैदावार 54 बिलियन लीटर दूध है, जिसमें से सिर्फ 10% दूध पैकिंग की सूरत में मिलता है। तहम अब नई बनने वाली पॉस्चराइजेशन पॉलिसी से जुलाई 2022 के बाद खुले दूध की फरोख पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद उस्मान साहब, आप डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी हैं। सर, वेलकम टू नया दिन। कार्रवाइयों से मुतालिक आपसे जानना चाह रहे हैं, कार्रवाइयां जो की जा रही हैं इससे मुतालिक बताइएगा, और कौन सा केमिकल है जो दूध में मिलाया जाता है जिसकी वजह से अंधे होने का खतरा होता है, क्योंकि ये बड़ी अलार्मिंग खबर है। जी बहुत शुक्रिया जी, मुझे ये आपकी आवाज़ में काफ़ी डिस्ट्रैक्शन आ रही है, लेकिन जो मैं समझा हूँ आपका सवाल, वो गालिबन ये आप पूछना चाह रहे हैं कि कौन से केमिकल्स की आमिजश की जाती है जो खुला दूध मार्केट में आता है, जिसकी वजह से अंधापन हो रहा है, ब्लाइंडनेस हो रही है। जी मैं आपको इस सवाल का ज़रा थोड़ा सा एक मुख्तसर जवाब भी है और एक लंबा जवाब भी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो दूध के अंदर केमिकल्स की मिलावट की जाती है, इसकी बुनियादी तौर पर तीन वजूहात हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दूध जब रॉ फॉर्म में होता है तो उसकी बहुत लिमिटेड लाइफ होती है, यानी कि 2 से 3 घंटे के अंदर अगर उसको उबाला ना जाए तो वो ख़राब हो जाता है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उसकी तादाद इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो दूध जो है वो फट जाता है। सर आपने कहा 2 से 3 घंटे, लोगों के पास 2 से 3 घंटे के अंदर दूध को इस्तेमाल करने की, वहाँ पर तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, लेकिन जहाँ भी अर्बन एरियाज़ के अंदर दूध जो है वो किसी गांव से लाया जाता है उसमें ये प्रॉब्लम बहरहाल हमें फेस करनी पड़ती है। अब इस प्रॉब्लम के तीन जो है वो मुख्तलिफ तरीके से इनको जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसको एड्रेस करते हैं। सबसे पहले तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी होती है, जहाँ फासला ज़्यादा होगा, जहाँ वो चिलर में उसको ठंडा करके नहीं पहुँचा सकते टाइम पर, वहाँ ज़्यादा टाइम जो है उसको कवर करने के लिए उसमें ऐसे केमिकल्स की आमिजश की जाती है जो उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं। अच्छा, अब दूसरा दूध के साथ प्रॉब्लम ये है कि दूध की जो हमारी डिमांड है वो हमारी जो सप्लाई है वो हमारी डिमांड से कम है, यानी कि अगर मुझे रोज़ का 4 लीटर दूध चाहिए तो पीछे दूध जो अवेलेबल है वो 2 से 3 लीटर है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए या तो दूध में पानी मिलाया जाता है, और जब पानी मिलाया जाता है तो उसकी रंगत में और उसकी हैसियत में जो तब्दीली आ जाती है उसको ठीक करने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं और उसमें कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं जो उसको दूध जैसा दिखने में मदद करें, और कुछ लोग जो हैं वो पानी नहीं मिलाते, वो फिर जाली दूध बनाते हैं, यानी कि स्किम पाउडर से पानी मिला के उसमें घी डाल के उसके अंदर जो है वो उसको दूध बनाते हैं, और उसके अंदर भी अगेन फिर इस तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं जो दूध को उसकी हैसियत
दूध जैसी दिखाने के लिए हमें मतलब वो धोखा दही देने में मदद दे जी। अब ये मुख्तलिफ जितने भी केमिकल्स हैं, देखें हमें पहली बात तो ये है कि एक बात आज यहाँ पर तय हो जानी चाहिए कि केमिकल्स की आमिजिश जो है वो मना है, वो नहीं हो सकती। ये कहना कि जी ये केमिकल ज़्यादा नुकसानदेह है, ये केमिकल कम नुकसानदेह है, ये डिस्कशन हमें करनी ही नहीं चाहिए। हम दूध पी रहे हैं तो हमें दूध ही पीना है, दूध में किसी किस्म की कोई भी चीज़ जो है वो मिलावट है और वो कम नुकसानदेह या ज्यादा नुकसानदेह, ये डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उस्मान जीरो टॉलरेंस के ऊपर दूध में किसी किस्म की जो मिलावट है उसके ऊपर हमें पाबंदी लगानी। सही उस्मान साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कार्रवाइयां रवा साल में कितनी हुई जो दूध मुजरे सेहत था। एक साथ साथ मुझे इस पर भी कमेंट आपसे चाहिए था, क्या सिर्फ खुला दूध आपकी जो रिस्ट्रिक्शन में आता है? क्योंकि हमने देखा है कि एक एफआईआर बकायदा लॉन्च हुआ है एक इंटरनेशनल कंपनी के खिलाफ कि उस दूध में वो जो न्यूट्रिएंट्स थे उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, इसकी वजह से बच्ची की डेथ हुई। अब एफआईआर कटी उस पर, तो वो भी आपके अंडर आता है जो पैक्ड दूध होता है पाउडर फॉर्म में? देखें जी बिल्कुल, जो पाउडर फॉर्म जो देखें हम दूध को जो पाश्चराइजेशन पॉलिसी बनाई है हमने, उसका बेसिक पार्ट जो है वो ये है कि हम कह रहे हैं कि दूध जो है उसको फौरी तौर पर पाश्चराइज किया जाए और उसको पैकेज किया जाए, और जिन कंडीशंस में उसको पाश्चराइज किया गया है वो उसके बैच नंबर के साथ उस पर लिखी जाए और फिर उसको मार्केट में सप्लाई किया जाए उसकी शेल्फ लाइफ के साथ, ताकि हमें पता हो कि लाहौर में अगर कोई पैकेट आया है तो पता हो कि वो कौन से प्लांट से पाश्चराइज होकर आया है, किस वक्त वो पाश्चराइज हुआ है, किस टेम्परेचर पे उसको पाश्चराइज किया गया है, कब उसने एक्सपायर होना है। ये सारी की सारी ट्रेसेबिलिटी इसलिए क्रिएट की जाती है ताकि हमें पता चले कि ये जो दूध है ये ए कंपनी का है या बी प्लांट का है या सी पाउडर का है जिसने ये मार्केट में भेजा, ताकि कल को अगर खुदा ना खास्ता उस दूध में कोई प्रॉब्लम हो तो कम अज कम हम उस बंदे तक पहुंच सके जहां से वो दूध आ रहा है। जो पैकेज दूध होगा उसने बहरहाल किसी ना किसी शक्ल में चेक हो जाना है। इस वक्त जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम साल में 4 दफ़ा चेक कर रहे हैं, इसके अंदर आपका दही शामिल है, आपका दूध शामिल है, दूध की जितनी भी किस्में इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं वो सारे के सारे शामिल हैं, उनकी हम साल में 4 दफ़ा सैंपलिंग करते हैं और उनकी जो टेस्ट है वो अपनी वेबसाइट पर भी लगाते हैं। और उसके जो डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे। दूध की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें केमिकल्स डाले जा रहे हैं, ये ज्यादा साबित हो रहा है और इस सब के खिलाफ आप कार्रवाइयां कर रहे हैं, आपने इस सिलसिले में ये बताया। अभी हम लेंगे ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे अहम मौजू के साथ, रहिए नया दिन के साथ। हाजिर ब्रेक के बाद मैंने शुएब को जरा थोड़ा सा साइड में कर दिया, मैंने कहा भागो यहाँ से, मैं एक अहम बात करने जा रही हूँ और ये रिकॉर्ड भी वही करके लाए थे तो मैं आपको दिखा रही हूँ। दरख्त बचाएं, गंदगी को ठिकाने लगाएं, माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाएं, जिंदगियों को महफूज बनाएं, शहर कायद में फैली गंदगी के खिलाफ खामोश एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं अब्दुल हमीद ठगिया। ये सब के लिए मिसाल है, इसीलिए तो शुएब इनके पास भी गए और कुछ इनकी ज़िंदगी के हिस्से आपके सामने आज वो ला रहे हैं। शहर कायद, कराची या कचराची, बहुत से मसाइल हैं इस शहर के, कहीं पर सीवरेज का पानी है तो कहीं पर गंदगी का ढेर है। लाइन जीरे की बात करें तो मसाइल की लाइन है। कराची के कई इलाके ऐसे हैं जहां शहरी परेशान रहते हैं कि यहां के मसाइल आखिर हल होंगे तो कब हल होंगे। इलेक्शन साल आता है तो बहुत से वादे किए जाते हैं, बहुत से दावे किए जाते हैं, लेकिन मसाइल वहीं के वहीं रह जाते हैं। मसाइल और फिर उनका हल, इसके दरमियान आती है वो बात, यानी आवाज़ जो उठाई जाती है कि ये है मसला, इसका ये हल होना चाहिए, और हुकाम को झंझोड़ा जाता है कि भैया जागो और इन मसलों को हल करो। सोशल एक्टिविस्ट ये काम बड़ा ज़बरदस्त करते हैं, लेकिन हमारे साथ आज है वन मैन आर्मी, अब्दुल हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हमीद डागर साहब जो कि 2015 से एक्टिव हैं, एंड वाई आई सेड वन मैन आर्मी बिकॉज इनके साथ और कोई टीम नहीं होती, ये अकेले निकलते हैं और कराची के मसाइल की निशानदेही करते हैं। सर वेलकम टू नया दिन, जानना चाह रहे हैं आपसे कराची के मसाइल जो आपकी नज़र में अहम हैं कौन से हैं? देखिए साहब, मेरी नज़र में जो मसाइल सबसे ज़्यादा हैं वो हैं गारबेज डंपिंग और बर्निंग, यानी गारबेज जलाया जाता है। दूसरा है सेवरेज ओवरफ्लोइंग, हर जगह 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 लाइनें टूटी हुई हैं और सेवरेज ओवरफ्लो हो रहा है। तीसरा है दरख्त काटे जा रहे हैं हर जगह, और जहाँ भी आप जाएँ तो दरख्त को काटे जा रहे हैं जबकि दरख्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चौथा है वो रोड डैमेज हैं, रोड टूटे फूटे हैं, और इसके साथ जो रोड के प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट अपने बजट में रखती है करांची के लिए, लेकिन उसके ऊपर अमर दरामद नहीं होता है।
ये चार मेन प्रोजेक्ट, चार मेन मैटर्स हैं जिसके ऊपर मैं अप्रैल 2015 से काम कर रहा हूँ और निशानदेही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर कोई इन मसलों पर ध्यान दिया जाए। सही। और हम देखते हैं अक्सर जगह पर आप खड़े हैं और आप कुछ बोल नहीं रहे, सिर्फ एक पोस्टर आपने उठाया है या प्ले कार्ड आपने उठाया है और आप पहले खामोश हैं, उसके बाद कमेंट्री, वो कमेंट्री कौन करता है? कमेंट्री भी मैं ही करता हूँ। अच्छा। बल्कि मैंने अपने ड्राइवर को जो है ये कुछ सिखा दिया है, थोड़ा सा वो वीडियो बनाते हुए मेरे तक पहुँच जाए और उसके बाद मुझे अपना मोबाइल दे दे। सही। और उसके बाद फिर मैं खुद ही उसके ऊपर शुरू हो जाता हूँ, बताता हूँ कि यहाँ क्या मसला है और ये मसला क्यों हल नहीं हो रहा है। और एक तस्वीर में हमने देखा है खातून भी आपके साथ थी। जी हाँ, वो मेरी बेगम है, मेरी वाइफ है। अच्छा, मतलब बेगम को भी साथ लेके आप निकल पड़े कि वो भी मसलों की निशानदेही करें। वो भी बड़ी परेशानी रहती हैं कि अब हम इस एज में हैं कि नेचुरली दूसरों के लिए दूसरों को भी देखना होता है कि भाई वो सब किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किस मसाइल में मुब्तला हैं, तो उनके भी हल हों। और यूँ तो बहुत से मसाइल की निशानदही अब्दुल हमीद साहब करते हैं, लेकिन आज हम कचरे की तरफ जा रहे हैं, कचरे की बात करेंगे। जी हाँ, कचरे की बात करेंगे और इत्तेफाक से अभी मैं जो खड़ा हूँ, मेरी नज़र पड़ रही है, धुआं निकल रहा है, ये कचरा जलाया जा रहा है। कचरा जलाया जा रहा, तो वहीं चलते हैं और ज़रा देखते हैं कि वहाँ पर मसला है क्या। और अब क्योंकि हम कचरे की बात कर रहे हैं और कराची के कई ऐसे मकाम हैं जहाँ पर कचरा डंप किया जाता है, बल्कि कई ऐसे मकाम हैं जहाँ पर कचरा जलाया भी जाता है, उससे पॉल्यूशन भी होती है, उसकी आवाज़ भी अब्दुल हमीद साहब बुलंद करते आए हैं। एक तो ये साइट है और ऐसे बेतहाशा साइट्स कराची में है जहाँ पर हम देखते हैं कचरा जलाया जा रहा है, कितना नुकसानदेह है ये। फोरम जो है उसने एक शाया किया है एस्टिमेट और उसके मुताबिक 36% जो डेथ्स लंग कैंसर से होती हैं, 36% वो इसी वजह से होती है, यानी गारबेज एयर पोल्यूशन की वजह से। और इसको ये गारबेज जलाने की जो धुआं निकलता है उसको ये इनविजिबल किलर कहते हैं। और हम तो ये भी देखते हैं कि हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी किसी और पर डाल देती है, इदारे अपनी ज़िम्मेदारी किसी और पर डाल देते हैं। कभी तो कहा जाता है कि ये तो बल्दियाती इदारों का काम है, कभी कहते हैं कि ये तो फलाने इदारे का काम है, कभी कहते हैं फंड्स नहीं हैं, कभी कहते हैं हमारे पास और इश्यूज़ हैं, तो ज़िम्मेदार असल में कौन है फिर? असल में ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत है, जो मैं मेरे हिसाब से उसकी वजह है कि कराची सिंध गवर्नमेंट के पास बजट बहुत ज़्यादा है। बजट है बहुत ही ज़्यादा और ह्यूज है, यानी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ह्यूज 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 बजट है। अब मैं एक आपको मिसाल दूँ कि सिंध गवर्नमेंट का बजट 2013-14 में 596 बिलियन रुपया था और करंट ईयर में 18-19 में ये बढ़कर 1144 बिलियन हुआ। केएमसी का बजट जो 13-14 में 36 बिलियन था, यानी 36 बिलियन, वो 18-19 में घटा के 27 बिलियन हो गया। सही। भाई खर्चे तो बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, सब चीज़ें हो रही है और उनका 9 बिलियन कम कर दिया आपने और फिर कहते हैं कि ये क्या करते हैं। अरे भैया क्या करते हैं, तुम क्या करते हो, तुम्हारा तो डबल हो गया है, है ना, 596 से 1144 बिलियन हो गया, तो उसकी कोई परवाह नहीं है। और अगर सिंध गवर्नमेंट ने मिस कर दिया इनको कहीं पर, एक जहां पर खड़े होते हैं आवाज़ बुलंद करते हैं, वो आज सुन लें इनको कि जब वो कह रहे हैं कि भाई पैसा तो है आपके पास अथॉरिटी भी है, तो ये कह देना कि ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये फलाने की ज़िम्मेदारी है, पैसा हमारे पास नहीं है, फ़ंड किसी और के पास है, तो इस पर बात होनी चाहिए कि आखिर फ़ंड जो आता है वो जाता किधर है, ये कचरा यहीं का यहीं रह जाता है, मसाइल यहीं के यहीं रह जाते हैं, लेकिन आवाज़ जो बुलंद हो रही है वो सुननी चाहिए, मसले कराची के हल होने चाहिए। साहब से तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। शुएब क्या कर रहे हैं? कोशिश। आपको सीखने की जरूरत है। सिखा दें। मैं नहीं, वो सिखाएंगे, उनको आता है। पर ये तो दरबुका है। वो तो आर्टिस्ट हमारे पास है। नहीं, हसन दरबुका हमारे पास है। यस। वेलकम टू नया दिन। थैंक यू सो मच। वेलकम। आप कैसी हैं? अच्छा, ठीक हूं। बताइए दरबुका, दरबुका क्या है? ये दरबुका बेसिकली जो है वो अरबिक इंस्ट्रूमेंट है और उसको इंटरनेशनली बहुत यूज़ किया जाता है। ओके। तो एशियन में ज़्यादा यूज़ नहीं होता, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और ईरान, इराक, वहाँ पे कम यूज़ किया जाता है। तो पाकिस्तान में 2-3 प्लेयर्स हैं जिसमें से एक में छोटा सा प्लेयर हूँ। छोटा सा प्लेयर पाकिस्तान में, मैं यू आर द फर्स्ट मैन मुझे लगता है। एक दोस्त है थोड़ा सा बजाता है। जी 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 जी, ऐसा ही है। तो प्लीज कुछ बजाएं इससे पहले कि हम और बात करें, हम पहले देखेंगे बजता कैसे। बजना देखना है। बजा के दिखाएं।
अच्छा ठीक है, म्यूजिक के साथ बगैर म्यूजिक के साथ आपकी मर्जी है प्लीज। चलें ठीक है, अगर प्ले हो जाए म्यूजिक, म्यूजिक प्ले किया जाए, म्यूजिक भी प्ले किया जाए। जबरदस्त, सीखा कहाँ से, कब से बजा रहे हैं? और सीखना जो है वो मैंने YouTube से सीखा है। और अरबों का इंस्ट्रूमेंट है, अरबों के दरमियान भी बजाया कभी? जी बहुत ज्यादा बजाया, और वहाँ पे हमने कॉम्पिटिशन्स भी जीते हैं। वाओ, और बेस्ट दरबुका प्लेयर इन पाकिस्तान का अवार्ड भी लिया है। अच्छा, वो ना बातें करते करते दरबुका बज रहा है उनका। जी वो बजना तो चाहिए, लेकिन आपको भी सीखना चाहिए। आप ये बताएं कि आपको टेम्पो पता है? टेम्पो मेरा ख्याल है फिर मैं खुदा हाफिज कह दूं। नहीं आप खुदा हाफिज नहीं, आप अच्छा मेरे साथ आपने क्लैप्स करना है। ओके, लेकिन जिस तरह से मैं आपसे क्लैप्स करूं आप भी साथ कर सकते हैं। ठीक है, ऑडियंस भी कर सकते हैं, जो हम लोग टीवी पे देख रहे हैं ओके आप लोग भी कर सकते हैं। आपने कहना 1 2 3 4 बस। ठीक है, पहले मैं या फर्स्ट में, फिर देन आप। वेरी गुड, अरब के अंदर बहुत मशहूर है, अरब के लोग जो होते हैं, आप लोग थक गए? मुझे बहुत मजा आया। आप सोचेंगे हम तकरीबन 1 और 1.5 घंटे के दरमियान कंटिन्यू प्ले करते हैं जब कॉन्सर्ट। मैंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया। वैसे आपकी लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन क्या रही है दरबुका प्ले करने? तकरीबन कोई 4 घंटे। 4 घंटे कंटिन्यूअसली? कंटिन्यूअसली, नो रेस्ट। और ये पार्टिसिपेशन था लोगों का? जी आप जैसे जितने भी कॉन्सर्ट देखें, ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना पाकिस्तान में इन नहीं है इतना, तो उसको देखने के लिए लोग सोचते हैं यार ये कर क्या रहा है, ये हो कैसे रहा है, कुछ तेज तेज जो है ना। मैं चाह रहा हूँ वक्त तो खत्म हो गया, तेज तेज आप बजा के दिखा दें। हम अगले हफ्ते में आपसे मिलेंगे, और अभी हम ये सुन रहे हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं और इनका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज 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 कर।